शुरू छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसे उन बातों को भी मैंने आपके साथ पहले डिस्कशन किया हुआ है। लिखिए टॉपिक का नाम आज का होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम क्या करेंगे आपके साथ यहां पे स्टडी करेंगे, इनके बारे में समझेंगे आखिर ये क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कोई टॉपिक में दम ही नहीं यार। मैं तो कहता हूं कि 12th क्लास का कोई भी टॉपिक में कुछ दम नहीं है, बस ऐसे ऐसे खेला खेलते चलो काम खत्म चला जाएगा। आइए मैं अब आज का खेल इनके साथ लेके चलूंगा, देखता हूं कि इस खेल में वो कॉन्सेप्ट जीतता है कि हम जीतते हैं आपका। बहुत सिंपल सी बातें हैं, मेरे साथ सुनेंगे आप, देखो मैं क्या निकल के चलता हूं। क्यों ना मैं आपको सारी बातें समझाऊं कॉन्सेप्ट वाइज, और क्यों ना मैं एक एक एग्जाम्पल पुट करूं। आइए आपके जब इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा तो बीच में आपके दिमाग में कई सारे सवाल आएंगे, इफ सर अगर ऐसा होता तो क्या करते हैं, सर अगर ऐसा होता तो क्या करते हैं। आपको दिमाग में ये बातें नहीं लानी बच्चे, ये अगर मगर की बातें आप कब लेकर आएंगे, जब मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि जितने सारे सवाल आपके दिमाग में उठेंगे उनका जवाब मैं क्या दूंगा, आप खुद जवाब दे दोगे, उसके बाद आपको दिमाग में लेके आना है। और ये कॉन्सेप्ट इसी में नहीं, आपको हर एक चैप्टर में फॉलो करना है कि जब भी मैं कॉन्सेप्ट कोई समझा रहा हूं तो कॉन्सेप्ट के बीच में आपके दिमाग में कोई इफ या और ना आए। आप बिल्कुल पेशेंस वाइज मेरी सारी बातें सुनो, जब ये टॉपिक हमारा एंड होगा ना तो अपने आप आपके दिमाग के इफ और खत्म हो जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। आइए मैं स्टार्ट करता हूं, पहले मैं आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करूं। केस है, लिखिए मेरे साथ यहां पे, लिखेंगे आप यहां पे एक एग्जाम्पल मेरे साथ रेडी करेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर वन यहां पे आपका, एग्जाम्पल नंबर वन कहता है कि मान लो यहां पे पार्टनर्स के नाम है ए और बी, दो पार्टनर्स है बच्चे, इन दोनों का कहता है कि जो कैपिटल आपका है, लिखिए मेरे साथ साथ लिखना है ना आगे ना पीछे, 5 लाख रुपए, और इनका कैपिटल कहता है कि 3 लाख रुपए। सर एक बात बताओ लिखने की क्या जरूरत है, जब सब कुछ हमारे पास है ही नहीं बच्चे, अगर आप नहीं लिखोगे तो आदत खराब हो जाएगी, लिखने से हमारा दिमाग डबल काम करता है, तो आपको लिखना मेरे साथ यहाँ पे, कल सुनना नहीं है। तो 5 लाख 3 लाख रुपए। फिर कहता है कि इनके बीच में जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के मुताबिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है जी, मान लो 10% के हिसाब से। स्वाभाविक सी बात है यहां लिखे चाहे यहां चाहे दोनों जगह, ये पक्का है जी कि हमें 10% के हिसाब से देना ही पड़ेगा आपका दोनों को यहाँ पे आपका, ठीक है ना। और फिर कहता है कि नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो फर्म ने कमाया है, नेट प्रॉफिट जो आपका कहता है कि आपने अर्न किया है, अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, आपने जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाया है मैं लिखता हूँ वो कितना मैं मान लूँ, कितना मान लूँ। तो जरा देखो कुछ दिमाग में सोच रहा हूँ, आप मेरे साथ दिमाग लेके चलना, लेकिन इफ और ना है। सर 5 और 3 8 लाख होते हैं, 8 लाख रुपए पे अगर हम 10% इंटरेस्ट पे करें तो इंटरेस्ट बन जाएगा 80,000 रुपए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रॉफिट का अमाउंट 80 से ज़्यादा लिख रहा हूँ बच्चे, यानी कि 1 लाख का अमाउंट। अच्छा यानी कुछ और भी बातें सर होने वाली, बहुत सारी आज बातें होंगी, आज जब ये टॉपिक हमारा एंड होगा तो सारी बातें दिमाग में क्लियर हो जाएगी, आपको चिंता नहीं करना, बस लिखते चलो मेरे साथ यहाँ पे। बोलता है कि प्रिपेयर, बोलता है कि प्रिपेयर आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो कहता है जरा बता दो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे आप, एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका है ना। आइए शुरू करते हैं। सर आज आपको क्या हो गया है, ये तो क्वेश्चन हमने बहुत पहले 1st क्लास में किया था। हाँ बच्चे हाँ मुझे पता है, आप चिंता ना करो मुझे सारी बातें याद रहती हैं, बट मुझे कुछ आपको समझाना है, मैंने कहा ना आप लिखो जरा आपको बातें समझ में आएंगी, अगला केस आपका इंटरेस्टिंग बन जाएगा, इससे कुछ हटके होगा। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, ये लो हमने कहा कि यार आपका जो प्रॉफिट आपने कमाया वो 1 लाख रुपए कमाया, तो हमारे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने कहा बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपने जो कमाया ये 1 लाख रुपए का अमाउंट आपका है, ये लो हमने 1 लाख का प्रॉफिट लिखा। अब इस 1 लाख के प्रॉफिट को हमें डिवाइड करना है, पार्टनरशिप डीड में कहता है कि भैया पहले आप इंटरेस्ट दो, लिखा हमने यहाँ पे, लिखिए मेरे साथ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका। अब मुझे इंटरेस्ट देना है जी ए को और बी को, बट सर ये तो क्वेश्चन बता ही नहीं रहा कि ये कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। टेंशन नहीं, अगर एग्जाम में आपको ना बताया कि कैपिटल फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग तो आपको फ्लक्चुएटिंग मानना बच्चे। फ्लक्चुएटिंग मानने का मतलब कि जितनी सारी एंट्री होंगी वो सारी एंट्री कहाँ ट्रांसफर की जाएगी, ठीक बोला आपने,
कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अगर फिक्स्ड हो जाता तो फिर ये कहाँ जाता, करंट अकाउंट में, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए सब कुछ कहाँ जाएगा आपका, कैपिटल अकाउंट के अंदर में, कैपिटल अकाउंट के अंदर में, ठीक है। आप बताओ 5 लाख का 10% कितना होता है? सर ये होता है 50,000 का अमाउंट आपका, 50,000। अच्छा बताओ 3 लाख का 10% कितना होता है? सर ये होता है आपका 30,000 का अमाउंट आपका। तो 50 + 30 मिलके यहाँ पे कितना बच गया आपका, 80,000 का अमाउंट आपका, 80,000। ये काम पूरा हो गया हमारा, यहाँ पे इंटरेस्ट निकल गया आपका। अच्छा 1 लाख में 80 इंटरेस्ट दे दिया, फिर आप क्या बोला करते थे कि टू बैलेंस प्रॉफिट, आपने बोला बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू, ये ट्रांसफर किया जाएगा एक तो एज कैपिटल अकाउंट में और एक आपका बीज कैपिटल अकाउंट में। अब देखो ना 1 लाख में 80 चला गया, 20,000 रुपये का प्रॉफिट है। आप मुझे बताओ 20,000 हमें ए बी में डिवाइड करना है, रेशियो हमें नहीं बता रहा है। आप भूल गए ना मैंने क्या बताया था, अगर क्वेश्चन में आपको रेशियो ना बताए, पार्टनरशिप अगर साइलेंट है तो हम इक्वली मानते थे आपका, इक्वली, यानी कि 1:1, यानी कि 10,000 का प्रॉफिट यहाँ जाएगा और 10,000 का प्रॉफिट आपका यहाँ पे जाएगा, काम खत्म हो गया। आप इसे क्लोज कीजिए और आपका 1 लाख रुपये और 1 लाख रुपये आपने यहाँ ट्रांसफर किया, काम पूरा खत्म होगी बात। क्या दम इसके अंदर में यार, सर आप आज समय बर्बाद कर रहे हो, ये चीज़ें हमें आती है सर, हमने पढ़ा था, आप क्यों फालतू काम कर रहे हो? ओहो माफ़ करो, चलो मैं नहीं करता, मैं आज कुछ अच्छी बातें करा देता हूँ, ठीक है ना। आप इससे कॉपी तो कर लो, कम से कम एक बार कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। सर कर लिया हमने, एक मिनट मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूँ यहाँ पे, ताकि मुझे प्रॉपर जगह मिल जाए। आपको जो अगला क्वेश्चन कराना चाहता हूँ उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है मैं आपको बताऊँगा, पहले आप इसकी कॉपी कर लो। सर हो गया कॉपी आपका, ठीक है तो मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चे। ये लीजिए मेरा एग्जाम्पल नंबर टू, अब आपके पास आ रहा कुछ अच्छी बात है। कहता कि मान लो पार्टनर्स यहाँ पे जो है वो ए है और बी है। सर मान लिया, आगे बोलो। लो फिर कैपिटल लिख रहा हूँ मैं, कहता कि ए का जो कैपिटल है वो 8 लाख रुपीज का अमाउंट है और बी का कैपिटल मान लो कहता कि 4 लाख रुपीज का अमाउंट आपका है। सर ये भी ठीक है, मान लिया, आगे बोलो। कहता कि इनके बीच में एग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलेगा और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है कि आपका 10% यहाँ बता रहा जी रेट आपका 10%। सर ये भी मान लिया, आगे बताओ। कहता कि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, इस बार ध्यान दो, नेट प्रॉफिट, ना 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 प्रॉफिट नहीं हुआ बच्चे, यहाँ तो प्रॉफिट आपको हुआ था। मैं इस बार केस बना रहा हूँ कि अगर फर्म को नेट लॉस हो गया ड्यूरिंग द ईयर, ओहो, यानी कि प्रॉफिट नहीं कमाया, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर जो आपका हुआ है वो कहता है कि नेट लॉस मान लो यहाँ पे 1 लाख रुपये का अमाउंट आपका हो गया, 1 लाख अमाउंट, बोलता है कि प्रिपेयर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम क्या करें, तो हमें सोचना बच्चे। यहाँ पे कैपिटल तो ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है कि आप 10% देना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दूंगा, जब प्रॉफिट होगा तब ना। यहाँ 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 80,000 रुपये हमने एज इंटरेस्ट आप लोगों को दे दिया, 20,000 रुपये हमने प्रॉफिट में डिवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, यहाँ तो लॉस हुआ है, अब मैं क्या करूँ? तो देखो आप चिंता ना करो, अभी आप इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट जो है इसके बारे में क्या बोलता है मैंने आपको बताया नहीं है। आप लीजिए मेरे साथ, लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हर एक चीज़ हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के साथ यानी क्वेश्चन के साथ समझेंगे, दिमाग ज़्यादा बैठता है। अगर मैं बोलते चला जाऊँगा तो आप भी सो जाओगे, मैं भी सो जाऊँगा, इसलिए आओ जरा हम समझेंगे यहाँ पर आपका। मुझे बताओ इस पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ? 1 लाख। अच्छा ठीक है, याद करो जो प्रॉफिट होता था तो आप यहाँ लिखा करते थे, अगर आपका नेट लॉस हुआ है तो आप यहाँ लिखेंगे टू नेट लॉस, यानी कि लॉस फर्म को हुआ है जी कितने का आपका बच्चे, यहाँ पे हमने कह दिया 1 लाख रुपये का अमाउंट आपका। या एक काम करता हूँ, फिगर मैच ना करें इसलिए मैं आपके लिए 1,20,000 रुपये कर देता हूँ, ताकि ये ना कहना कि सर वही प्रॉफिट तो लॉस नहीं हो गया। नहीं बच्चे, अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, ये हमने 1:20 का लॉस बना दिया। सुनो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है कि आप इंटरेस्ट तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो उस केस में फिर आप इंटरेस्ट नहीं दे सकते।
आप चिंता ना करो, मैं इसको लिखाऊंगा भी, आपको लिखाऊंगा भी, लेकिन मेरी बात सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब देने की बात उठती है अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है। अगर फर्म ने प्रॉफिट नहीं कमाया, अगर फर्म ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो फिर मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा। तो सर फिर करेंगे क्या, यानी कि ये एग्रीमेंट आपका यहाँ पे निल हो जाएगा, कोई काम का नहीं। आपने एक भी इसका लॉस हुआ है, जरा बताओ लॉस कौन बियर करेगा? सर पार्टनर्स बियर करेंगे, पार्टनर्स बियर करेंगे। तो आपने क्या करना है कि 1,20,000 का जो लॉस हुआ है वो पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दीजिए। आप बोल देना बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू, नेट लॉस ट्रांसफर टू, ट्रांसफर्ड टू किसको जी? पार्टनर्स को, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट में आपने ट्रांसफर करना है और बीज कैपिटल अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है नेट लॉस आपका। अब देखो ना, 1:20 का अमाउंट है, क्या क्वेश्चन ने कहीं पे रेशियो बताया आपको? नहीं सर, नहीं बताया। अगर रेशियो ना बताया तो हम क्या करेंगे? इक्वली। तो चलो बताओ 1:20 में ए को लॉस कितना बियर करना पड़ेगा? 60,000। बी को कितना बियर करना पड़ेगा? 60,000। तो बताइए टोटल लॉस बाहर कितना चला गया आपका? 120 का अमाउंट। और इस तरीके से काम आपका कंप्लीट हो गया, खत्म हो गई बात आपको। यहाँ पे प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट देने की बात उठती है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर इंटरेस्ट नहीं दूंगा बच्चे। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि इंटरेस्ट तभी देना है जब प्रॉफिट होगा। अच्छा, मैंने सॉल्यूशन तो कर दिया, अब इसी का लिख दो मेरे साथ नोट, ताकि रिविजन में आपको हेल्प करेगा। लिखिए, कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ फर्म हैज अर्न्ड, फर्म हैज अर्न्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट ड्यूरिंग करंट ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग करंट ईयर। अगर प्रॉफिट हुआ है तभी इंटरेस्ट देने की बात उठेगी ड्यूरिंग करंट ईयर बच्चे आपका। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर इंटरेस्ट नहीं, फुल स्टॉप। लिखना इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है, इन केस ऑफ लॉस आप कहना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, विल नॉट बी अलाउड। ये आपके एग्जाम में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कितनी बार क्वेश्चन। जब मैं छोटा बच्चा था ना बच्चे, तो पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था उनमें भी कुछ ऐसा क्वेश्चन था। मैं आपको दिखाऊंगा आज जाते जाते, वो क्वेश्चन कराऊंगा कि मेरे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था जब मैं छोटा बच्चा था, बिल्कुल आपके जैसा। फिलहाल तो दो बातें, अगर प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट दीजिए, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट की सारी बातें आप इग्नोर कर देना, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर तो जितना आपको लॉस हुआ वो सारे पार्टनर्स में डिवाइड कर दो, उनके रेशियो में आपका, रेशियो बताया तो ठीक, नहीं तो फिर क्या इक्वली मान लेंगे आपका। ठीक है ना सर? हाँ ठीक तो है, लेकिन सर सवाल दिमाग में कई सारे आ रहे हैं अभी, पता नहीं कितने सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे हैं। सर आप चिंता ना करो, मैं उन सवालों को भी खत्म करता हूँ। देखो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं उसको लेकर आता हूँ। मैं इसे मिटा दूँ? हाँ जी सर, ये तो मिटा दो। अच्छा मैं वो भी मिटा दूँ? सर थोड़ा सा वेट कर लो, लिख लो फिर मिटा देना। ठीक है फिर लिखो आप वहां पे बच्चे, लिखो जरा एग्जाम्पल नंबर टू जो था आपका था इंटरेस्ट कैपिटल के अंदर में। सर लिख लिया हमने, गुड, अच्छी बात है। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। आपने लिख लिया, मैं इसको मिटाता हूँ। अब मैं आता हूँ थर्ड केस के अंदर में, यानी कि थर्ड एग्जाम्पल। आप देखो थोड़ा सा और दिमाग हमारा आगे बढ़ेगा, हम थोड़े से और स्ट्रांग होते चले जाएंगे। आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर थ्री, एग्जाम्पल नंबर थ्री। कहता इस बार मान लो ए बी और सी, चलो तीन पार्टनर मान लिया, दो से भरे तीन जी, तीन मान लिया हमने। और तीनों पार्टनर्स का जो कैपिटल आपका है वो कहता है इनका 2,00,000 रुपये, इनका कहता है जी 2,00,000 रुपये का अमाउंट, और इनका कैपिटल कहता है कि मान लो 1,00,000 रुपये का अमाउंट आपका। ठीक है ये भी आपका हो गया। एग्रीमेंट है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और वो कहता है कि मान लो आपका 10% पर एनम होगा आपका, 10% के हिसाब से। ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है कि 10% पर एनम आपका निकल के आएगा। और फिर यहां कहता है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आपने जो अर्न किया है, अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर आपने जो प्रॉफिट कमाया है, आपने जो प्रॉफिट कमाया है जी,
वो कितना मान लो, जरा बताओ, आप बोलो जितना बोलोगे उतना मान लूंगा। तो सर एक काम करो, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख हो गए। 5 लाख रुपए का 10% कितना होता है? 50,000 रुपये। 50, तो अभी हमने 2 केस किया, एक में याद कीजिए एग्जाम्पल 1 में 50 से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, और दूसरे में हमने क्या किया, लॉस ही कर दिया, लॉस ही कर दिया बच्चे। इस पर कहता है कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपका जो आप है यहाँ पे, चलो 50 से थोड़ा कम, लॉस नहीं मानता, मानता हूँ कि प्रॉफिट हुआ है, लेकिन प्रॉफिट कहता है कि भैया 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 जो इंटरेस्ट बनता है उससे कम। चलो मान लो, मैं यहाँ पे मान लो आपका प्रॉफिट जो हुआ है जी, वो आपका 30,000 आपका हुआ है, 30,000 रुपये। फर्क समझिए, आपको समझना ही पड़ेगा, आपको समझना ही पड़ेगा बच्चे। केस 1 में आपका खूब सारा प्रॉफिट हुआ था, बड़े आराम से इंटरेस्ट दे दिया, और फिर जो बच गया वो प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दिया। केस 2 में आपको लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ ही नहीं वहां पे, तो हमने क्या किया, लॉस का जो अमाउंट था वो हमने क्या किया जी, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपका, याद है ना आपको, इंटरेस्ट नहीं दिया था। हाँ, अब मैं तीसरा केस अरेंज कर रहा हूं जहां पे प्रॉफिट आपने कमाया है, लेकिन जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो जितना भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है उससे कम कमाया। आप देखो, 2, 2, 1, 5 लाख रुपए पे 10% के हिसाब से 50,000 का इंटरेस्ट बना, और 50,000 से आपने क्या कम कमाया बच्चे, 30,000 रुपये। बोलता बताओ अब कैसे बनाएंगे, कहता है कि प्रिपेयर, कहता है कि प्रिपेयर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहता कि जरा बताओ कि आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो मैं यहां पे आपके साथ 2 केस रेडी करूंगा। केस वन कहता है कि इफ देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट, मतलब पार्टनर्स के बीच में इस चीज को लेकर कोई भी आपस में एग्रीमेंट नहीं है, ऐसे केस में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पार्टनर्स ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। अगर पार्टनर्स ने एग्रीमेंट नहीं किया है तब तो आपने क्या करना बच्चे कि पार्टनरशिप एक्ट में जो बातें हैं वो आपको समझना है, वो क्या है मैं आपको समझाऊंगा। और मैं एक केस और रेडी करता हूं, केस नंबर टू में कहते हैं कि इफ देयर इज स्पेसिफिक एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में, स्पेसिफिक एग्रीमेंट दैट ध्यान सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कॉमा इवन इट इन्वॉल्व्स फर्म इन लॉस। आओ जरा 2 केस देखते हैं आपका। पहले केस में हमने बोला जी कि कोई भी स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है, स्पेसिफिक एग्रीमेंट ना होने का मतलब क्या, यहां पे लिख दो इट मीन्स इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो आपका है इज साइलेंट है बच्चे, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, वो कहता भैया आपको जो ठीक लगता है वो काम कर लो, आप पार्टनरशिप एक्ट में क्या है आप उसके हिसाब से कर लो, हमें मतलब नहीं है। लेकिन दूसरे वाले केस में पार्टनर्स ने आपस में कुछ एग्रीमेंट किया, तो मैं आई जरा पहले मैं यहां लेके चलता हूं, पहले केस 1 में, फिर हम केस 2 भी देख लेंगे। आपके दिमाग में देखो कहां कहां बात चलनी चाहिए, 3 पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल कहता है 2, 2, 1 का आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है कि 10% पर एनम आपका है, फिर कहता कि प्रॉफिट जो आपने कमाया वो 30,000 रुपये कमाया है पूरे साल में, और कहता कि आप बनाओ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। केस 1 में कहता है कि देर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट, कोई भी पार्टनरशिप एक्ट में एग्रीमेंट नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में हम प्रॉफिट कैसे डिवाइड करेंगे। और केस 2 कुछ और कहता है, पहले आप आइए केस नंबर 1। मैं काम करता हूं, मुझे जगह चाहिए, मैं इसको मिटाऊंगा, आप इसको लिख लो बच्चे, मैं यहां मिटाऊंगा, मुझे जगह चाहिए। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया बच्चों? सर हाँ जी हमने लिख लिया। तो मैं सिर्फ इस लाइन को मिटाता हूं, इट मीन्स क्वेश्चन इज साइलेंट का मतलब क्या निकल के आता है, मैं इसको हटाता हूं बच्चे आपका, ये लीजिए मुझे जगह चाहिए, आप समझे मेरी मजबूरी? सर हाँ कोई बात नहीं सर, करो हम आपके साथ हैं। तो आओ जरा मैं आपको पहले सॉल्यूशन दिखाता हूं केस नंबर 1 के अंदर में आपका, केस नंबर 1 जहां पे आप बना रहे हैं मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप यहां बना रहे हैं मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पे प्रॉफिट का हम यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बच्चे, जहां पे हम प्रॉफिट का यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये लीजिए थोड़ा सा जगह मुझे यहां बचाना है,
क्योंकि मुझे समझना होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाद में मिटाऊंगा उसको। आप यहाँ लीजिए मेरे साथ, ये लीजिए, चलो शुरू करते हैं। मुझे बताओ यहाँ पे बाय आपका नेट प्रॉफिट कितना है, मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है। सर प्रॉफिट तो 30,000 रुपये है, तो यहाँ लिखा हमने जी, इस 30,000 रुपये को हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट के रूप में देना है। अब देखो जब मैं यहाँ पे इंटरेस्ट इनको दूंगा, जब मैं इनको इंटरेस्ट दूंगा, एक बार चेक करता हूँ वर्किंग नोट्स में, वर्किंग नोट्स में नंबर वन लिखिए आपका टोटल हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कितना हो जाएगा बच्चों। तो रेट कहता है कि 10% है जी, ये लिखा हमने 10% आपका। और जरा बताओ तीनों का मिला के कैपिटल कितना हो गया, 2,00,000 इनका, बी का भी आपका 2,00,000 रुपये, और सी का कहता है कि आपका 1,00,000 रुपये का अमाउंट आपका। तो 5,00,000 का 10% कितना हो गया जरा बताएंगे मुझे आप। सर हाँ 50,000 आपका, 50,000 रुपये। मजबूरी सोचो क्वेश्चन का, मजबूरी समझो क्वेश्चन में इंटरेस्ट हमें 50,000 रुपये देना है, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास 30,000 रुपये है। अब मैं क्या करूं, तो लिखिए मेरे साथ, कहा गया है सिंस अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन, मैं एक काम करूंगा थोड़ा सा मुझे ना और सही करना होगा, कहीं कंफ्यूजन आपको ना हो जाए, मैं सही करता हूँ। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही चीज अलग से निकालूंगा बच्चे आपका, एक बार चेक करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो ए है यहाँ पे, एक है बी और एक है सी आपका। अच्छा लगेगा, कुछ नया चीज़ नहीं कर रहा, वही एक अच्छी तरीके से। आप बताइए ए का कैपिटल कितना है, सर 2,00,000 रुपये। आप बताओ ए पे रेट कितना चल रहा है, सर 10%। तो इंटरेस्ट इनका कितना हो गया, 20,000 रुपये। बी का जरा बताओ कैपिटल कितना है जी, सर 2,00,000 रुपये। अच्छा मुझे बताओ इस पे रेट कितना चल रहा है, 10% आपका। तो बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी सर हो गया 20,000 रुपये आपका। अच्छा सी का कैपिटल कितना है, 1,00,000 रुपये आपका। आप मुझे बताओ रेट कितना चल रहा है, 10%, कितना इंटरेस्ट हो गया, सर ये हो गया 10,000 का अमाउंट आपका। अब देखो 20,000 रुपये और प्लस 10,000 रुपये मिलकर इंटरेस्ट आपका टोटल कितना हो गया यहाँ पे, तो ये इंटरेस्ट बन गया आपका 50,000 का अमाउंट आपका, 50,000 रुपये। सर पहले भी तो यही हुआ था, हाँ बच्चे वही काम है, थोड़ा और समझाते हुए कर रहा हूँ, कोई टेंशन की बात थोड़े है। अब देखो टोटल इंटरेस्ट हमें 50,000 रुपये करना है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 30,000 रुपये है। तो लिखे मेरे साथ यहां पे, सिंस अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल स्टॉप लिखना, हेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। ध्यान से मेरी बात सुनना, विल नॉट बी अलाउड। मेरे बच्चे यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर क्या होगा सर, कहा है एक्ट में, लिखेगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके मुताबिक कहा गया है कि इन सच केस होल प्रॉफिट यानी कितना जी, 30,000 रुपये, आगे ब्रैकेट में दैट इज कितना आपका 30,000, will be distributed among partners in ratio of interest on capital। ये क्या कहता है कि उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में आपका क्या होगा जी, प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। और लिख दो ब्रैकेट में इग्नोर करना है प्रॉफिट रेशियो। आपको प्रॉफिट रेशियो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा आप उसको इग्नोर कीजिए, और उसको इग्नोर करने के बाद आपको जितना भी प्रॉफिट होगा यानी कि पूरे 30,000 रुपये
आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देना है। ये मैं नहीं कह रहा बच्चे, ये पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है। फिर से सुनो मेरी बात, पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया कि प्रॉफिट जो आपका 30,000 रुपए है, ये प्रॉफिट जब पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा और पहले इंटरेस्ट देंगे, लेकिन इंटरेस्ट का जो अमाउंट है अगर वो अमाउंट आपका प्रॉफिट से कम होता है तो फिर पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर हमें क्या करना होगा, ये प्रॉफिट ही पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देना होगा, लेकिन जो डिवीजन होगा वो प्रॉफिट रेशियो में नहीं होगा। कहता है कि यहां पे इन सच केस होल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि 20-20-10,000 के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, आप बोलना यहां पे टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो आपने यहां पे ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू आपने कहा एज कैपिटल अकाउंट, आपने कहा बीज कैपिटल अकाउंट और आपने कहा सीज कैपिटल अकाउंट। जरा मुझे बताओ कितना अमाउंट बन जाएगा जी। तो सर वो आपका जो अमाउंट है, अगर आपका 30,000 रुपये अगर मैं डिवाइड करूँ 2:2:1 के रेशियो में तो कितना हो जाएगा बच्चे? सर ये हो गया आपका 12,000। मैं लिख देता हूँ कैसे निकल के आया आपका, ये 30,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 2:2:1 यानी कि 2/5 से, 2/5। जरा बताओ कितना हो जाएगा? सर ये हो गया आपका 12,000 का अमाउंट आपका, ठीक बोला आपने। बी का भी कितना होगा जी, 30,000 × 2/5 यानी कि ये अमाउंट कितना हो गया आपका, 12,000 का अमाउंट आपका। और यहाँ पे 30,000 × आपका 1/5 यानी कि कितना आपका हो गया, 6,000 का अमाउंट आपका। तो कितना हो गया, 30,000 का अमाउंट आपका। ख़त्म होगी बात, बात ख़त्म हो गई। हमने कहा कि अगर आपके पास प्रॉफिट इतना नहीं है कि हम इंटरेस्ट दे पाएँ तो आप एक काम करना, इंटरेस्ट मत देना, लेकिन उस केस में इंटरेस्ट का जो रेशियो इनके बीच का बनेगा उसी रेशियो में पूरे प्रॉफिट को आप डिवाइड कर देना। बात समझ में आई? सर सच्ची बताऊं पूरी बात समझ में नहीं आई। क्यों नहीं समझ में आई, क्या हो गया आपको? अरे मैंने कहां कुछ बोला, मैंने कहा कि प्रॉफिट आपका 30,000 का अमाउंट है, हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना था लेकिन इंटरेस्ट बन गया 50,000 रुपये, वो प्रॉफिट से कहीं ज्यादा है। तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, नई बात सिखा रहा हूं, कि अगर आपका इंटरेस्ट प्रॉफिट से ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं देना। फिर आप क्या करेंगे, जो प्रॉफिट आपने कमाया है वो पार्टनर्स के बीच में उनके रेशियो में डिवाइड होने के बजाय आप क्या करोगे जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो होगा उसी में आप डिवाइड कर देंगे। खत्म हो गई बात आपको यहां पे। तो हमने क्या किया, देखा जी ए का इंटरेस्ट 20,000 रुपये है, बी का 20 है, सी का 10, टोटल 50,000 होता है, 50,000 इंटरेस्ट हम नहीं दे सकते। तो हमने बोला कि ठीक है जी, 30,000 रुपये का जो अमाउंट है वो 2:2:1 में डिवाइड कर दो, तो हमने 2:1 में कर दिया। अच्छा मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो क्या था? सर क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो नहीं बता रहा है, तो अगर प्रॉफिट रेशियो ना बताया तो हम क्या मानते हैं, इक्वली मानते हैं ना बच्चे? सर हाँ, हमने देखो यहाँ पे प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड नहीं किया, हमने प्रॉफिट को डिवाइड किया, लिखा हमने इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई पूछ दे कि ये बात आपको किसने समझाया, तो ना कहना कि मेरे सर ने बताया, आप कहना कि ये तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है, ये मेरा आंसर नहीं बचे, ये पार्टनरशिप की बातें हैं, वही बातें मैंने आपको यहाँ पर लिखी हुई है। एक मिनट जरा दिमाग लगाओ, सोचो, फिर इस पर कई सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको टेंशन नहीं करना, इसमें 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लिखिए पहले यहाँ पे, आप कॉपी करें, उसका कॉपी की जल्दी से, हमने कहा ये काम आपको निकल के आया जी। तो आपको, आपके लिए क्या हुआ, एक नोट हो गया ये आपका नोट, जो कि आपको रिविजन में हेल्प करेगा। सिंस अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, इंटरेस्ट नहीं देंगे। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन सच केस, ओहो ये क्या लिख दिया मैंने, कैश नहीं बचे, माफ करो केस, इन सच केस होल प्रॉफिट यानी कि जो 30,000 रुपये है विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देना है, इग्नोर प्रॉफिट रेशियो आपका, इग्नोर प्रॉफिट रेशियो। ये हो गया आपका केस नंबर 1। सर और क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे, आप चिंता ना करो, 2 मिनट का समय दो मुझे, दोनों केस करा देना फिर मैं क्वेश्चन करा दूंगा। मैं इसको मिटा दूं? सर हाँ सर मिटा दो। तो ये लो हमने मिटा दिया, ये तो तब था जब हमारे बीच में कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में हम ये काम करेंगे। अब आओ जरा हम आते हैं केस नंबर 2 के अंदर में। केस नंबर 2 में कहता है कि अगर स्पेसिफिक एग्रीमेंट है, यानी कि पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड में लिखा है, क्या लिखा है जी,
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है चाहे फर्म लॉस में क्यों ना चल जाए, ये एग्रीमेंट हो चुका है, ये एग्रीमेंट है कि भैया हमें मतलब नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है चाहे फर्म लॉस में क्यों ना चल जाए। ओहो, जब एग्रीमेंट हो चुका है तब पार्टनरशिप एक्ट काम नहीं करना। याद कीजिए, पार्टनरशिप डीड अगर हमारे बीच में बना हुआ है, अगर हमने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट की बात अप्लाई नहीं होती। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तब अप्लाई होती है बच्चे। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट हुआ है कि हमें इंटरेस्ट देना ही देना है चाहे फर्म लॉस में ही क्यों ना चल जाए आपका। तो आइए जरा मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या निकल के आता है। मैं इसको मिटाऊंगा, केस नंबर 2 मिटा रहा हूँ बच्चे, मुझे जगह की रिक्वायरमेंट है, मैं तो पूरा क्वेश्चन मिटा दूंगा, मुझे पूरा जगह चाहिए, आप मेरी मजबूरी समझ रहे हो ना सर। हाँ, हमारे पास तो क्वेश्चन है, ठीक है आपके पास क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लिया है ना, आप बिना क्वेश्चन को मैं बिना क्वेश्चन को। आइए जरा केस नंबर 2 की बात करता हूँ। केस नंबर 2 में कहता है कि आप जब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप जब बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही देना है चाहे भगवान भी कुछ क्यों ना कर दे आपका, मतलब चाहे फर्म लॉस में क्यों ना आ जाए। तो उस केस में देखो फिर हम क्या करते हैं, हमने लिखा बाय नेट प्रॉफिट। जरा बताओ प्रॉफिट कितना आपका है सर, 30,000 का अमाउंट आपका, मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। आप मुझे बताओ इस बार मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूं कि ना दूं? सर देना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना ही देना है चाहे आपका फर्म लॉस में क्यों ना चल जाए। तो फिर आप एक काम करना, यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे बीज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट में आप इंटरेस्ट दीजिए। आप बताओ ए का कैपिटल कितना था सर, 2,00,000 रुपये, रेट कितना था सर, वो 10% था, तो ए को 20,000, बी को भी 20,000 और सी को आपने 10,000 यहाँ पे इंटरेस्ट दिया, टोटल कितना हो गया 50,000 रुपये, ये लिखा हमने। अरे ये क्या, ओहो ये तो 30,000 का प्रॉफिट है और 50,000 रुपये इंटरेस्ट दे दिया, ये तो गलत हो गया। नहीं गलत हुआ बच्चे, पार्टनरशिप डीड यहाँ पे बना हुआ है कि पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट देना ही देना है, हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना ही देना है चाहे फर्म लॉस में क्यों ना चल जाए। तो जरा आप बताओ ना, इतने अच्छे बच्चे हैं आप, 30,000 का प्रॉफिट था और 50,000 का हमें इंटरेस्ट देना है, तो मुझे ये बताइए कि फर्म को लॉस कितना हो गया सर, 50 का देना 30,000 का प्रॉफिट, 20 का लॉस हो गया। तो आप यहाँ क्या करेंगे, बाय नेट लॉस, नेट लॉस। और जरा बताओ लॉस किसको बियर करना पड़ेगा सर, पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, नेट लॉस एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और आपने सीज कैपिटल अकाउंट में क्या करना, ट्रांसफर कर देना है जी, जैसे हम पहले करते थे आपका। मुझे बताइए कि 20,000 का जो ये लॉस निकल के आपका आया, आप बताओ हमें इनके बीच में डिवाइड करना है, रेशियो क्या लेकर आऊं, आप बताओ रेशियो क्या लेकर आऊं। सर यहां पर तो रेशियो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो कहा तो था कि अगर रेशियो नहीं दिया हुआ तो पार्टनरशिप डीड वहां पर साइलेंट है, और जहां पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा तो रेशियो हम क्या मानेंगे, इक्वली आपका। अच्छा अच्छा हाँ जी सर याद है। तो बताओ 20,000 का जो अमाउंट आपका है अगर मैं इक्वली डिवाइड करूं तो कितना बन गया, 6,666 का अमाउंट, 6,667 का अमाउंट, 6,667 का अमाउंट आपका फ्रैक्शन में आ रहा था, हमने राउंडिंग अप कर दिया, तो हमने क्या किया 20 का डिवीजन कर लिया, काम पूरा आपका हो गया, खत्म होगी बात आपका। तो आप जरा इसे कॉपी करो, फिर मैं एक ऐसी बात समझाता हूँ जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर हम समझना चाहते ठीक से। तो आपका कॉपी करें, इसको आप कॉपी कीजिए, तब तक मैं थोड़ा चाय पीता हूँ अकेले अकेले, क्या करूँ अकेला पढ़ाऊँ, कोई है नहीं यहाँ पे, आपसे तो बातें कर रहा हूँ। आप जरा देखो ये काम खत्म हो गया आपका बच्चे, मैं आपको समझाता हूँ दोनों में क्या घाटा क्या फायदा, आपको समझना पड़ेगा, आप बाकी बच्चे नहीं है, आम बच्चे नहीं है, आप तो समझने वाले बच्चे हैं। यहां देखो आप जरा, यहां पे देखो आप, पहले केस 1 की बात करता हूं, आप देखो केस 1 के अंदर में जरा बताओ ए को टोटल अमाउंट कितना मिला सर, 12,000 रुपये। अगर इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं था तो उस केस में ए को टोटल 12,000 रुपये ही मिला प्रॉफिट में से, मिला ना, बोलो मिला कि नहीं मिला सर, हाँ मिला 12,000 रुपये, ठीक है। अब यहां जरा देखो आप मेरे साथ कि ए को कितना मिला, मैं अपने हाथ में रख लेता हूं मुझे कैलकुलेटर आपका, यहां पे ए को 12 मिला, यहां कितना मिला जी, 20,000 रुपये मिला, लेकिन हमने उनके अकाउंट से इतना माइनस भी कर लिया, तो 20 माइनस 6,666 आपका, यानी कि इनको 13,000, ए का जो अमाउंट निकल के आया बच्चे 13,000
334 रुपीज का अमाउंट, फर्क है दोनों में, होना ही था। अगर एग्रीमेंट हमारे बीच में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे, तो ए को मिला इतना, बी को इतना, सी को इतना, काम खत्म आपका। लेकिन अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे फर्म लॉस में क्यों ना चला जाए, तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और फिर हमने क्या किया, जो लॉस हो गया कोई बात नहीं, हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर दिया रेशियो में, रेशियो ना बताया तो इक्वली मानते हैं। तो आप देखो 20 दिया इतना ले लिया, तो अल्टीमेटली आपको कितना मिला, इतना मिला। बी को भी अल्टीमेटली कितना मिला, इतना ही मिला जी, 13333 कर देना, यहाँ पे एक रुपये का फर्क हो जाएगा, राउंडिंग अप किया था। और सी को कितना, 10 माइनस इतना, यानी कि 10,000 हमने आपको दिया, लेकिन 6667 आपसे ले भी लिया, तो अल्टीमेटली सी को कितना मिला, 3333 का अमाउंट आपका यही मिला ना। यहाँ पे सी को कितना मिला था, 6000 रुपये का अमाउंट। एग्रीमेंट है, जो होगा काम करना पड़ेगा, एग्रीमेंट है, या तो आप पहले से एग्रीमेंट कर लो, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो फिर पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा। एक्ट है, एक्ट का मतलब क्या, कानून, हमारी कंट्री में सबसे ऊपर कानून होता है, कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। तो आपने एग्रीमेंट कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज जो कानून बोलेगा वो काम करना पड़ेगा, वही काम कर रहे हैं आपका। हाँ, हमें आज निकालना था ओपनिंग कैपिटल के बारे में आपका, मतलब जो क्लास हमने लास्ट टाइम एंड की थी हम उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा लेवल बहुत गंदा होगा बच्चे, आज हम टफ लेवल पे जाएंगे, और पता नहीं क्यों लगता है कि जितने हम टफ लेवल पे जाएंगे टॉपिक आपके लिए उतना सिंपल होते चला जाएगा। आज जरा एक बार देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है और कैसे कैसे क्लास को आगे बढ़ाएंगे आज। लेकिन हाँ, एक काम करना पड़ेगा, बहुत पेशेंस वाइज आपको दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। आज पता नहीं क्या क्या होने वाला बच्चे, बहुत भयंकर तूफान आने वाला है, अगर हम बातें ठीक से नहीं समझे तो फिर ये टॉपिक हमारे लिए हमेशा के लिए छूट जाएगा। लेकिन अगर आज के टॉपिक समझ में आ गए तो आगे के कई सारे टॉपिक आपके लिए सिंपल हो जाएंगे। लिखिए आज का टॉपिक हमारे साथ, पिछली क्लास को जो एंड किया था, मैं थोड़ा याद आ गया मुझे, मैं आपको बताऊं, पिछली क्लास में हमने एंड किया था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे, प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट हमारा इनएडिक्वेट है तो फिर क्या करेंगे, सारी बात हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। आज हमारा कॉन्सेप्ट है, लिखिए मेरे साथ, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हमें ओपनिंग कैपिटल को जानना होगा एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को जानना होगा। पता नहीं क्यों मुझे बड़ा डर लग रहा है आज, मुझे ऐसा लगता है कि आज का टॉपिक आपके लिए बहुत बड़ा कहर डालेगा, आपको शायद समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक बार कोशिश करते हैं आप और हम दोनों मिलके, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आने वाली है। आइए जरा शुरू करता हूँ, देखो जरा क्या करूँगा, आप एक काम करो, रेडी करो मेरे साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। सर फिर से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, हाँ बच्चे हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है इसी के बाद तो हमें सारी बातें क्लियर होती हैं, और आज मैं विश्वास दिलाऊंगा कि इस टॉपिक को समझने के बाद आपके दिमाग के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, बीच में आपका इफ और ना आए। हम जैसे जैसे टॉपिक को बढ़ाएंगे कई सारी परेशानियां आपके दिमाग में आएंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको मैं वहीं पे ख़त्म करूं, लेकिन अगर वो वहां पे ख़त्म नहीं हो पाए तो भी चिंता ना करना, जब क्लास ख़त्म होगा तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। हाँ जी सर, शुरू करो। ये लो आपका पहला एग्जाम्पल, इसके अंदर में आपका हम लोग बात कर रहे हैं ओपनिंग कैपिटल निकालने का। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दिया रहता है और हमें निकालना होता है जो ओपनिंग कैपिटल आपका, तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। लेकिन एक मिनट, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन शुरू होने के पहले आप लिखिए मेरे साथ केस नंबर वन, पहला केस आपका। ये पहला केस है व्हेन कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग। मैं बहुत बेस से चलूंगा, बहुत बेस से, मुझे नहीं लगता कि आपको परेशानी होगी, फिर भी देखता हूं कि कितना मैं आपकी परेशानी दूर कर पाता हूं। आइए शुरू करते हैं यहां पे। जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है फिर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाएगा, जरा याद करो, हमने कुछ क्लास पहले आपसे डिस्कस किया था कि कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड आपके पास होते हैं, एक आपका फिक्स्ड, एक फ्लक्चुएटिंग, याद है ना सर। हाँ जी सर, आपने कहा था, मैं लिख रहा हूं, आपने लिखना, मेरी बात सुनो। कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड था, एक आपका था जी फिक्स्ड और एक था आपका फ्लक्चुएटिंग, सर याद है हमें, आगे बढ़ो आप। फिक्स मेथड में आपको याद होगा दो अकाउंट बनाया करते थे, एक अकाउंट होता था कैपिटल अकाउंट, एक होता था करंट अकाउंट, सर हमें यह भी याद है, आगे बढ़ो। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनाते थे कैपिटल अकाउंट,
और एक साल में जितनी सारी बातें होती थी पार्टनर्स को लेकर, वो सारी बातें आप यहां पर रिकॉर्ड क्या करते थे? सर हमें यह भी याद है, आगे बढ़ो आप। ठीक है, बढ़ता हूं मैं आपको आज। तो मैंने ना पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखाना है और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाएगा। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है बच्चे, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनाया करते थे आप कैपिटल अकाउंट, देखता हूं कि उस कैपिटल अकाउंट में आप यहां पर रिकॉर्डिंग्स कैसे करेंगे। आइए जरा मैं आपको शुरू करूं। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, याद है ना, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता था तो आप हर एक चीज एक साल में जो भी कुछ हुआ वो आपके कैपिटल में ही प्लस माइनस किया जाता था। सर हमें याद है, आप आगे बढ़ो। लो फिर मैं आपको देता हूं एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल नंबर वन यहां पे देखो। एग्जाम्पल नंबर वन में कहता है कि आपका यहां पे ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल एग्जाम्पल नंबर वन लिख रहे हैं हम लोग यहां पे। आप देखिए जरा ओपनिंग कैपिटल कहता है जी, ओपनिंग कैपिटल यानी कि 1 जनवरी, मेरे साथ लिखेंगे बच्चों आप लोग मेरे साथ, 1 जनवरी 2016 को कहता है कि ओपनिंग कैपिटल आपका यहां पे 5 लाख रुपए का अमाउंट था, आपका 5 लाख का अमाउंट। ठीक है, फिर कहता है यहां साल के बीच में आपका मान लो कहीं 1 जुलाई को, फर्स्ट जुलाई कहता कि 1 जुलाई आपका 2016 को यहां पे आपने एडिशनल कैपिटल दिया, यहां पे आपने क्या किया, एडिशनल कैपिटल दिया। और वो कहता है कि जो एडिशनल कैपिटल दिया वो 2 लाख रुपए का अमाउंट है। तो मुझे बताओ ना, आप इतने अच्छे बच्चे हैं, 5 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल था, 2 लाख रुपए आपने एडिशनल कैपिटल दिया, तो जरा बताओ कि 5 और 2 मिला के आपका जो यहां पे 31 दिसंबर 2016 को, आप मुझे बताइए कि आपका जो क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा एंड में कैपिटल आपका, वो जरा बताओ कितना अमाउंट हो जाएगा। सर ये कौन सी बड़ी बात है, 5 लाख स्टार्टिंग में 2 लाख और दिया तो कैपिटल मिलके यहां पे 7 लाख रुपए का अमाउंट आपका हो जाएगा, है ना बच्चे? सर हाँ। अब क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट, कहता है कि जरा बताओ कि कैलकुलेट करो आप यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कहता है जरा बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका होगा अगर हमें 10% के हिसाब से निकालना है पर एनम आपका, तो बोलता बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, यही क्वेश्चन है ना। अब देखो आप इतने अच्छे बच्चे, मुझे बताइए कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकाला जाएगा तो 10% मैं किस पे निकालूं? कॉमन सेंस है बच्चे, जितना पैसा जितने समय आपने यूज किया बिजनेस में, आपका जितना पैसा जितने समय रहेगा उतने समय का ही इंटरेस्ट मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को हटाओ, बात करता हूं बैंक में। मुझे बताओ अगर बैंक में आपका स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए है 1 तारीख को, और आपने क्या किया 1 जुलाई को बैंक में 2 लाख रुपए और जमा कर दिए, तो मुझे बताओ साल के एंड में अगर बैंक आपको इंटरेस्ट देगा तो कितने पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा, कितने समय का? सर ये कौन सी बड़ी बात है, 5 लाख रुपए जो ओपनिंग कैपिटल है, जो पैसा स्टार्टिंग से चलते आ रहा है, वो 5 लाख पे हमें पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा ना? सर हाँ जी। और जो 2 लाख रुपए आपने 1 जुलाई को दिया है, उस 2 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट कितने महीने का मिलेगा? 6 महीने का मिलेगा आपका, वही तो इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पे आपका। तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लिखिए मेरे साथ सॉल्यूशन में आप यहां बोलेंगे कि अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है, तो हम लोग कहेंगे कि यार 5 लाख रुपए का जो अमाउंट आपका है, 5 लाख रुपए का जो अमाउंट है, उस 5 लाख रुपए पे 10% आपका इंटरेस्ट निकाला जाएगा पूरे साल का, यानी कि 50,000 का अमाउंट आपका, 50,000 रुपए। और जो 2 लाख रुपए आपने यहां पे एडिशनल कैपिटल दिया था, उस 2 लाख रुपए पे भी 10% निकाला जाएगा, लेकिन क्योंकि पैसा बिजनेस में आपका सिर्फ 6 महीने रहा बचे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना, तो इंटरेस्ट भी आपको 6 महीने का ही मिलेगा। कोई बड़ी बात तो नहीं कह रहा, जितना समय आपका पैसा जितना रहेगा उस समय का इंटरेस्ट, तो 2 लाख पे 10% 6 महीने का इंटरेस्ट आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? सर 10,000, यानी कि टोटल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया बताइए? सर 60,000 का अमाउंट आपका, 60,000 रुपये का अमाउंट, यही बात हुई ना? हाँ जी सर। तो काम खत्म हो गया, 5 लाख रुपए जो ओपनिंग कैपिटल था उस पर 10% 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए पे 10% आपका 10,000 रुपए, टोटल इंटरेस्ट आपका 60,000 का अमाउंट बन गया, क्वेश्चन कंप्लीट आपका। सर ये कौन सी बड़ी बात है यार, आज क्या हो गया, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मुझे पता बच्चे ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बहुत आगे लेके जाना चाहता हूं। आइए मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाऊं मैं यहां पे, ये लो मैं इसको मिटाता हूं, ये लो मैं आपको यहां मिटाता हूं। अब मैं इसी सवाल को थोड़ा चेंज करूंगा, इसी सवाल को चेंज करूंगा। आपको ये बात पता चल चुका है
कि जितना पैसा जितने समय यूज किया गया उतने पैसे पर उतने समय का इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसमें मेरे और आपके बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा। मैं इस एग्जाम्पल को हटाता हूँ, लो मैं अगला एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। अब रहा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर टू, केस चल रहा है जब कैपिटल अकाउंट आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड से सॉल्व किया जा रहा है। आपका कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है बच्चे, ये लो केस नंबर टू। मैंने क्या किया, अब क्वेश्चन थोड़ा मोल्ड किया, ये लिखा 1 जनवरी 2016 और ये रहा आपका 31 दिसंबर 2016। मैंने आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं बताया, मैं कहता हूं कि आपका जो क्लोजिंग कैपिटल है यानी कि जो कैपिटल आपका एंड में पड़ा हुआ है क्लोजिंग कैपिटल, ये कैपिटल कहता है कि मान लो आपका यहाँ पे 9 लाख का अमाउंट है, 9 लाख 9 लाख रुपए, ठीक है ना? हाँ जी सर, ठीक है, आगे बताओ। फिर मैंने क्या किया, बीच में एक इन्फॉर्मेशन ऐड किया कि मान लो आपने क्या किया, 1 सितंबर 2016 को आपने क्या किया जी, एडिशनल कैपिटल। मेरी बात समझो आप, मैं कह रहा हूँ कि आपने 1 सितंबर को आपने बिजनेस में क्या किया है, यहाँ पे ₹2 लाख आपने कंट्रीब्यूट किया था एज एडिशनल कैपिटल आपका, 9 लाख रुपए एंड में है। हमने क्या देखा यार, 9 लाख रुपए हमारा बिजनेस में है, 2 लाख रुपए हमने साल के बीच में डाला था, तो आपका ये 2 लाख रुपए बीच में और एंड में आपका 9 लाख रुपए। वो कहता है कि कैलकुलेट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालिए और एट द रेट ऑफ, बोलो कितना लिखूं मैं, आप बताओ कितना लिखूं जरा बताओ। चलो सुन लिया मैं आपकी बात, आप कह दो कि सर यहाँ पे 12% लिख दो, लो हमने 12% लिख दिया आपका, कौन सी बड़ी बात है, जो भी रेट होगा क्वेश्चन बताएगा, हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बोलता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, चलो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा, सॉल्यूशन में शुरू करता हूँ। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर वो कितना पैसा है जो कि साल के स्टार्टिंग से चलते आ रहा है। अभी किया आपने पिछला क्वेश्चन कि जितना पैसा जितने समय यूज किया गया उतने समय का आपने इंटरेस्ट निकाला, कोई नई बात नहीं कर रहा। हमने इस पर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, हमने आपको ये तो कहा कि साल के बीच में आपने 2 लाख रुपए डाले हैं और 2 लाख रुपए डालने के बाद एंड में कैपिटल आपका 9 लाख रुपए हो गया, लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया कि आपका ओपनिंग कैपिटल कितना था। तो क्या आप नहीं निकाल पाओगे, आप नहीं निकाल पाओगे, क्या नहीं है हिम्मत आपके पास? सर क्यों नहीं है, कौन सी बड़ी बात है, अरे 2 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल डालने के बाद एंड में कैपिटल 9 लाख रुपए हो चुका है। आप मुझे बताओ कि अगर 2 लाख रुपए डालने के बाद 9 लाख रुपए है तो 9 लाख में से वो अमाउंट कितना है जो साल के स्टार्टिंग से चलते आ रहा है? अरे सर ये कौन सी बड़ी बात है यार, 9 लाख रुपए एंड में, 9 में 2 लाख रुपए हमने साल के बीच में डाला, तो जो पैसा स्टार्टिंग से चलते आ रहा वो तो 7 लाख रुपए रहा होगा, यानी कि आपका जो ओपनिंग कैपिटल यहां पर रहा होगा, कैपिटल जो इस क्वेश्चन में आपका मिसिंग है, जो पैसा आपने पूरे साल यूज किया वो पैसा कितना रहा होगा, 9 माइनस 2 7 लाख रुपए। ओपनिंग में एडिशनल कैपिटल को ऐड किया तो क्लोजिंग निकल के आ गया, क्लोजिंग में एडिशनल कैपिटल को मैं माइनस करूंगा तो ओपनिंग निकल के आ जाएगा। तो पहले मैं यहां पर लिखूंगा कंप्यूटेशन ऑफ, मैं यहां पे आपके लिए निकाल रहा हूं कंप्यूटेशन ऑफ आपका ओपनिंग कैपिटल। आप यहां पे मेरे साथ पहले क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालने बच्चे, आप यहां पे ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, देखो ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बताओ आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना है? सर क्लोजिंग कैपिटल यानी कि जो साल के एंड में कैपिटल पड़ा हुआ है वो अमाउंट कहता है कि 9 लाख रुपए, ये लिखा हमने। मुझे बताइए एंड में कैपिटल 9 लाख रुपए, इस 9 लाख में ये 2 लाख रुपए भी मिला हुआ है। अगर ये 2 लाख रुपए भी मिला हुआ है तो जरा बताओ इसको हटा के कितना पैसा पिछले स्टार्टिंग से यूज हो रहा है जी, स्टार्टिंग से कितना यूज हो रहा है? तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या करूंगा, मैं एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दूंगा, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दूंगा। अगर ये एडिशनल कैपिटल जो अमाउंट है आपका 2 लाख रुपए माइनस कर दूंगा तो आपका जो ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा, आपका जो ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा वो कैपिटल आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, सिर्फ 7 लाख रुपए। बात खत्म हो गई, बात खत्म। ओपनिंग कैपिटल आपको 7 लाख रुपए रहा होगा जी, यानी कि जो पैसा आपने पूरे साल यूज किया है पूरे साल वो 7 लाख रुपए है और 2 लाख रुपए का अमाउंट आपने कितना यूज किया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने आपने यूज किया, यही निकल गया है ना बच्चों? सर हाँ, अच्छा अच्छा अब समझ में आया। तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि कितना वो पैसा है जो पूरे साल आपका यूज हुआ,
उसमें पूरे साल का इंटरेस्ट दूंगा जी, और जो पैसा साल के बीच में उतने समय का इंटरेस्ट आपका। तो अब एक काम करेंगे, लिखिए यहाँ पे नंबर टू, इसी के अंदर में एग्जाम्पल नंबर टू का पॉइंट नंबर वन था, पॉइंट नंबर टू आप लिख रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम यहाँ पे आपके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप देखो ना, अच्छा लगेगा, कहता है कि यार ओपनिंग कैपिटल आपका 7 लाख रुपये था, तो मुझे कोई बताएगा कि 7 लाख रुपये पे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट कितने समय का, पूरे साल का, पूरे साल का। अरे ये 7 लाख रुपये पूरे साल आपने यूज किया है स्टार्टिंग से आपका, तो पूरे साल का प्लस ये जो 2 लाख रुपये का अमाउंट है, ये 2 लाख रुपये आपने इस पे भी 12% का इंटरेस्ट आपका, लेकिन जरा बताओ कितने महीने, तो सर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने, ये पैसा हमने सिर्फ 4 महीने यूज किया है, तो सिर्फ 4 महीने का ही आप इंटरेस्ट निकालेंगे। आप बताओ 7 लाख रुपये का 12% कितना हो गया, तो सर ये 84,000 हो गया। फिर भी मुझे विश्वास नहीं है अपने आप पे, मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, कौन रोकेगा मुझे। ये लो मैंने 84,000 ये लिखा आपने, तो आपका 2 लाख रुपीज का जरा बताओ 12% और आपका 4 मंथ्स का अमाउंट कितना बन गया जी, सर 8,000 का अमाउंट आपका, यहाँ पे 8,000 रुपये का अमाउंट आपका, तो 84 + 8 मिलके कितना हो गया 92,000, यानी कि ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया। यही तो काम करना है, कोई बड़ी बात थोड़े सिखा रहा हूँ, इंटरेस्ट निकालना है। हमने जितना पैसा जितने समय यूज किया, ये पैसा पूरे साल यूज किया पूरे साल का इंटरेस्ट, ये पैसा 4 महीने यूज किया 4 महीने का इंटरेस्ट, ऐड करो अमाउंट आपका निकल के आ गया, ठीक है ना सर। हाँ जी सर, हाँ जी समझ में आ गया, आप कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, हमने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखा और फिर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं आपका। सर ये तो बड़ा सिंपल लग रहा, आप तो स्टार्टिंग में कह दिया कि बड़ा टफ टॉपिक पे जा रहा हूँ, मुझे पता बच्चे टफ कुछ होता ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही आपको बेवकूफ बना रहा था, टॉपिक सारे सिंपल होते हैं, बस समझने का फिर होता है। तो आओ जरा मैं पहले काम करता हूँ, केस वन आपका जो चल रहा है उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर टू हुआ, एग्जाम्पल टू को मिटाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। अब मैं केस वन, इसी केस के अंदर में मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर थ्री के पास लेकर आता हूँ, एग्जाम्पल नंबर थ्री ये लो आप यहाँ पे, ये लो, कहता है कि आपका ये 1 जनवरी 2016 है और ये कहता है आपका 31 दिसंबर 2016, ये आपका एंड है बच्चे, ये एंड है। कहता है कि आपका ओपनिंग कैपिटल नहीं बताता, छोड़ दो फिर आपका, ये कहता है कि देखो जी आपने क्या किया यहाँ पे, आपने एडिशनल कैपिटल आपने जो बिजनेस में डाला है, वो कहता है कि आपने 5 लाख रुपीज डाले। सर डेट बताओ ना कब, इंटरेस्ट भी तो निकालना होगा। चलो ठीक है लिख देता हूँ फिर मैं, 1 अप्रैल को आपने क्या किया यहाँ पे 5 लाख रुपये बिजनेस में डाले। फिर कहता है यहाँ कहीं मान लो 1 अक्टूबर को उसने क्या किया, एक ड्रॉइंग्स कर लिया और ड्रॉइंग जो आपका है जी, वो कहता है कि आपका मान लो यहाँ पे 3 लाख रुपीज का अमाउंट आपने विड्रॉ कर लिया आपका, ठीक है ना। तो 5 लाख का एडिशनल कैपिटल, 3 लाख रुपये का हमने ड्रॉइंग्स किया, तो चला बताओ कि मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना आपका। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, आप अभी लिखना बंद कर दो, इतना लिख के आप लिखना बंद कर दो, मैं कुछ समझाऊंगा फिर आपको लिखाऊंगा, जब मैं दोबारा बोलूंगा तो ही लिखना शुरू करना बच्चे, ठहर जाओ 2 मिनट के लिए, ठहर जाओ मैं कुछ समझा रहा हूँ, मत लिखना। आप देखो 5 लाख का एडिशनल कैपिटल और 3 लाख की ड्रॉइंग्स हुआ जी, कब की आपने ड्रॉइंग्स, 1 अक्टूबर को आपका। मान लो मैं कहता हूँ, मैं लिख रहा हूँ आपने लिखना, कहता कि जो ओपनिंग कैपिटल है यानी कि जो कैपिटल स्टार्टिंग में था, वो कहता कि 15 लाख रुपये का अमाउंट था, 15 लाख रुपीज का अमाउंट था ओपनिंग कैपिटल, कहता भैया 15 लाख का अमाउंट था। मुझे बताओ ना कि अगर 15 लाख रुपये स्टार्टिंग में था, अगर मैं आपको ये बात बता दूं, तो 15 लाख में 5 लाख रुपये आपने ऐड किया 1 अप्रैल को, तो बताइए 15 लाख + 5 कितना हो गया सर, 20 लाख। फिर 20 में 3 लाख आपने ड्रॉइंग कर लिया जी, बिजनेस से बाहर निकाल लिया, तो जरा बताओ 15 और 5 20 में 3 गया तो कितना बच गया आपका, सर ये बच गया यहाँ पे 17 लाख रुपीज का अमाउंट आपका, 17 लाख का अमाउंट। यही हुआ ना बच्चे, आप कितने अच्छे बच्चे,
आपको नहीं विश्वास, मुझे पता है, आपने बड़े फटाक से बता दिया कि यार ओपनिंग कैपिटल अगर 15 लाख रुपए था, 5 लाख रुपए अगर हम एडिशनल कैपिटल डालेंगे और 3 लाख रुपए अगर हम निकाल लेंगे, मतलब 15 पहले से, 5 उसमें ऐड किया, 3 हमने माइनस किया, तो कितना हो गया? 17 लाख रुपए का अमाउंट आपका, आपने बता दिया, ठीक है। जरा बताओ इंटरेस्ट कितना निकलेगा? तो 15 लाख रुपए पूरे साल का, 15 लाख रुपए आप क्या करेंगे पूरे साल का, और जो 5 लाख रुपए आपने एडिशनल कैपिटल दिया उस पर जितने समय आपने यूज किया उतने समय का ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट, तो आपका इंटरेस्ट रेट बोलेगा तो हम चार्ज करेंगे, अदरवाइज नहीं चार्ज करेंगे। आपको पता है ना कि ड्रॉइंग्स पे जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट क्वेश्चन बोलेगा, अगर इंटरेस्ट का रेट बताएगा तो हम उसके हिसाब से चार्ज करेंगे। हम तो कैपिटल के बारे में सीख रहे हैं जी कि कैपिटल अकाउंट पे आपका कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी। अच्छा छोड़ो, मैं मुद्दे पे बात हूँ, मुद्दे पे मेरा मुद्दा ये है कि जब हमने ओपनिंग कैपिटल आपको बता दिया तो ओपनिंग में 5 को ऐड किया, 3 को माइनस किया, तो 17 निकल के आ गया, 17 लाख निकल के आ गया। आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको ओपनिंग कैपिटल ना बताऊं, अगर ओपनिंग कैपिटल हम आपको ना बताएं और आपको बोले यार एडिशनल कैपिटल 5 लाख रुपए है, ड्रॉइंग्स आपका 3 लाख रुपए है और क्लोजिंग कैपिटल आपका 17 लाख रुपए है, तो जरा मुझे बताओ कि क्या आप मुझे ओपनिंग नहीं बता दोगे? क्या आप नहीं बता सकते मुझे ओपनिंग कैपिटल? अरे आप बोलते क्यों नहीं, नहीं बता सकते आप, क्यों नहीं बता सकते सर? कौन सी बड़ी बात है? ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय जिसको हमने प्लस किया था उसको माइनस कर देंगे। जब ओपनिंग से हमने क्लोजिंग निकाला 17 लाख में, 5 लाख रुपए हमने ऐड किया था ना बच्चे, उसको माइनस कर देंगे, और जो हमने माइनस किया था उसको ऐड करो तो ओपनिंग निकल के आ जाएगा। इतना ही कहना चाहता हूं कि यार ये जो 17 लाख रुपीज है इसको निकालते समय आपने 5 लाख रुपए इसमें ऐड किए थे आगे जाने के लिए, अगर मुझे पीछे आना है तो 17 में उस 5 को माइनस कर दूंगा। इस 17 को निकालते समय 3 लाख रुपए आपने ओपनिंग से माइनस किए थे, अगर मुझे पीछे आना है तो मैं क्या करूंगा जी, 17 में 3 लाख को मुझे ऐड करना पड़ेगा। मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय जिसको ऐड किया था उसको माइनस कर दो और जिसको माइनस किया था ऐड कर दो, ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं, आइए दिखाता हूं। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप इसकी पहले कॉपी कर लो। इस क्वेश्चन में क्या निकल के आया जी, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता, हमें निकालना है। एडिशनल कैपिटल 5 लाख रुपए हो गया, ड्रॉइंग्स आपका 3 लाख रुपए हो गया और क्लोजिंग कैपिटल आपका 17 लाख रुपए हो गया। बोलता जरा बताओ कि आपको यहां बोलता है कैलकुलेट, आपको बोलता है कि कैलकुलेट, आप निकालिए यहां पे ओपनिंग कैपिटल कितना था आपका। एक तो क्वेश्चन कहता है कि आप जरा यहां पे ओपनिंग कैपिटल निकालो, ओपनिंग कैपिटल निकालो, और फिर कहता है कि एंड कैलकुलेट आपका इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, बताओ इस पर कितना लिखूं मैं। चलो ठीक है, सुन लिया आपकी बात मैंने, 5% पर एनम की बात करता हूं। इस पर इंटरेस्ट कहता है कि 5% के हिसाब से निकालो, देखता हूं क्या निकल के आता है। आइए जरा शुरू करेंगे हम लोग यहां पे, ये हमारा आ गया यहां पे सॉल्यूशन। पहले तो आपको लिखना होगा यहां पे नंबर 1 में कंप्यूटेशन ऑफ, लिखिए मेरे साथ लिखना है, क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए आपका। ओपनिंग कैपिटल नहीं पता, एडिशनल 5 लाख, ड्रॉइंग्स 3, क्लोजिंग आपका 17, बोलता कि कैलकुलेशन आपको कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। एक तो पहले मैं यहां पे ओपनिंग कैपिटल को निकालूंगा, पहले तो मैं यहां पे ओपनिंग कैपिटल को निकालूंगा और फिर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा 5% के हिसाब से। आइए पहले मैं ओपनिंग कैपिटल को निकालो, देखो कैसे निकल के आएगा। जरा मुझे बताओ कि क्वेश्चन के मुताबिक आपका जो क्लोजिंग कैपिटल है, क्वेश्चन के मुताबिक आपका जो क्लोजिंग कैपिटल वो कितना बता रहा है? सर 17 लाख का अमाउंट आपका, लो लिख दिया हमने कि एंड में 17 लाख रुपए, मुझे ओपनिंग निकालना है। आप ही बताओ ना कि ओपनिंग से क्लोजिंग निकालते समय हमने 5 लाख रुपए को ऐड किया था एडिशनल कैपिटल, तो चलो बताओ जब क्लोजिंग से ओपनिंग निकालूंगा तो इस 5 लाख को मैं क्या करूं? माइनस कर दो। अगर इसमें 5 लाख रुपए ये मिला हुआ है, अगर इसमें से 5 लाख माइनस करूं तो ओपनिंग तरफ आ जाऊंगा जी, यानी कि मैं क्या करूंगा यहां पे एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दूंगा। ये लीजिए हमने क्या किया, एडिशनल कैपिटल जो हमारा अमाउंट आपका है वो कितना बता रहा बच्चों? सर वो 5 लाख, उसको माइनस करें आप यहां पे 5 लाख रुपए का अमाउंट, ठीक है। दूसरा सवाल मुझे बताओ, ये 3 लाख का आपने ड्रॉइंग्स किया था, ये ड्रॉइंग्स करने के बाद आपका जो क्लोजिंग कैपिटल वो 3 लाख रुपए कम है। अगर हमने 3 लाख का ड्रॉइंग्स किया था
तो ड्रॉइंग सोने से कैपिटल कम हो गया ना बच्चे। मुझे बताओ कि अगर मैं ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा तो इस ड्रॉइंग्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग में ये 3 लाख रुपए माइनस हो चुका है तो ये 3 लाख ओपनिंग में तो माइनस नहीं होगा, ओपनिंग में तो था ये पैसा, ये तो बीच में निकाला गया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ऐड कर दूंगा आपका यहां पे ड्रॉइंग्स, मैं यहां पे क्या करूंगा जी, ड्रॉइंग्स को ऐड कर दूंगा। कितना अमाउंट आपका 3 लाख। तो चलो बताओ यहां पे अमाउंट कितना निकल के आ गया, 17 माइनस 5 12 प्लस 3 15, 15 लाख का अमाउंट निकल के आया जी। दिस 15 लाख बिकम्स इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल आपका, यही ओपनिंग कैपिटल था। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं कि हमने बिल्कुल सही काम किया। अब देखो जरा यहां पे आपको समझ में आएगा। मान लो हमने निकाल दिया ओपनिंग कैपिटल, आप बताइए कि आपका ओपनिंग कैपिटल अगर 15 लाख रुपए था तो 15 लाख ओपनिंग था, 5 उसमें आपने ऐड किया 20 हो गया, 20 से 3 आपने विड्रॉ कर लिया तो एंड में कितना रह गया, 17 लाख का अमाउंट। कॉमन सेंस है यार, वही निकल के आया। तो मैंने कहां कुछ किया, मैंने तो आपको बताया कि जो चीज आपको निकालना था हमने निकाल लिया, आप इसकी कॉपी कर लो, आप इसकी कॉपी कर लो, आप इसकी कॉपी कर लो बस। जब मैं छोटा बच्चा था ना बच्चे, तो बड़ा परेशान हो जाता था, ये क्या है क्या है, ये समझ में नहीं आता था। बट कुछ भी तो नहीं है ये, तो यार ये तो दूसरी क्लास का कोई बच्चा भी बता सकता है, हम तो बड़े बच्चे हैं। कि अगर ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय जिस चीज को ऐड कर दिया था उसको माइनस कर दो, जिसको माइनस किया था उसको ऐड कर दो, तो आप पीछे यानी कि ओपनिंग निकल के आ जाएगा। ठीक है ना सर, ठीक है सर, ठीक है, आगे बताओ। ये लो हमने ओपनिंग निकाल दिया, अब हमें यहां पर निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ, अब हमें निकालना है यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें। जरा डायग्राम पे ढूंढो कैपिटल कौन कौन सा है। कैपिटल सर एक तो कैपिटल हो गया ओपनिंग कैपिटल आपका, और एक हो गया एडिशनल कैपिटल। ड्रॉइंग्स कैपिटल नहीं होता, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट लगता बच्चे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तभी चार्ज करेंगे अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा, याद है ना आपको ये बात सर। हाँ जी, तो बताइए ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया, 15 लाख रुपए। हमने क्या किया, 15 लाख रुपए जो आपका ओपनिंग कैपिटल है, इस 15 लाख रुपए पे जरा बताओ रेट कितना चल रहा है। सर रेट है 5%। तो आपने क्या किया, 5% मल्टीप्लाई किया यहां पे। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया प्लस प्लस, ये जो 5 लाख रुपए का अमाउंट है, ये जो 5 लाख रुपए का अमाउंट है, मुझे बताओ इस 5 लाख पे रेट कितना चल रहा है। सर 5%। अच्छा पैसा कितने महीने रहा जी बिजनेस में आपका ये, तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने। तो विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स आपका यहाँ पे ये निकल के आपको आ गया। बताइए जरा कि 15 लाख रुपए पे आपका 5% कितना है। आप नहीं रोक सकते मुझे निकालने से, कैलकुलेटर में यूज कर सकता हूँ सर, हम भी कर सकते हैं ना बच्चे ना। आपको रोकने के लिए सीबीएसई बोर्ड है, आपको रोकने के लिए आपका कई सारे बोर्ड होते हैं आपको पता है ना, वो आपके पास है जो बोलता है कि नहीं जी आपने क्या करना होगा कि अगर आपने यहाँ पे इंटरेस्ट सॉरी आपको कंप्यूट करना है तो आपको दिमाग से करना है, कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मना किया गया बच्चे, 12th क्लास तक कैलकुलेटर यूज नहीं होते हैं। तो 6250 का अमाउंट आपका, तो 75 ये कितना हो गया, 81250, यही निकल के आया ना, खत्म हो गई बात। अरे खत्म हो गई बात, निकल गया हमारा इंटरेस्ट आपका। चलो जी, हमने ये भी आपको समझा दिया, अगर ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय हमने जिन चीजों को प्लस किया था उसको माइनस कर दो, और जिनको माइनस किया था उसको प्लस कर दो, काम पूरा। सर एक काम करोगे आप, कुछ ऐसा हमें दे दो ना जिससे हमारे दिमाग में सारी बातें एक बार में बैठ जाए और फिर हम खुद ही रिविजन करना शुरू कर दें। तो ठीक है बच्चे, ठीक है मैं फिर देता हूँ। 3 हमारे एग्जाम्पल हो चुके हैं ना, मैं इसको मिटाता हूँ। 3 एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं, आप इसको, मैंने इसको मिटा दिया, हमारे 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं। 3 एग्जाम्पल हो जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एक आपको यहाँ पर देता हूँ इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट नोट किसके लिए, ओनली फॉर मी, मतलब सिर्फ आपके लिए, बस सिर्फ आपके लिए। आप बहुत स्पेशल हैं, आपको नहीं पता आपकी स्पेशलिटी, आप कितने स्पेशल हैं बच्चे। आप देखो जरा, मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ ये नोट, जिससे कि आप खुद समझ जाएंगे कि किन किन चीजों को टू द मैक्सिमम हमें प्लस करना, किसको किसको माइनस करना ओपनिंग कैपिटल निकालते समय। आइए एक बार शुरू करता हूँ, मैं आपको एक फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ, फॉर्मेट ऑफ आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं आपको दिखाऊं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता था
और हाँ, किस मेथड की बात कर रहे हैं? अंडर अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। सर हमें याद है सर, छोड़ दो ना। ना ना ना, ना नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो सब कुछ समझाने का मन करता है, बस तो मैं कैसे छोड़ दूं। मैं आपको दिखाता हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता था अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड आपका। आइए जरा चेक करते हैं यहां पे आपका, देखो कैसे निकल के आता था, मैं आपको दिखाऊं। लो ये होता था आपका अकाउंट, ये होता था अकाउंट, ये रहा जी आपका पार्टनर का। मान लो एक ही पार्टनर है, कौन इतना लंबा काम करेगा। मान लो, या फिर थोड़ा सा मैं जगह बनाऊं, मुझे जगह आपको दिखाना भी तो है, यूज भी तो करना है। तो मैंने क्या किया, ये जो फॉर्मेट है ना बच्चे, यहां बनाता हूं। ये लो, ये मैंने क्या किया आपके लिए बना दिया फॉर्मेट। ये लो, मैं इसको थोड़ा इधर करके ताकि मैं भी आपके साथ देखूं, ये मैंने आपके लिए बना दिया फॉर्मेट यहां पे, ठीक है ना। ये फॉर्मेट रह गया आपका। मैं इस फॉर्मेट में क्या करता हूं, ये मैं बना रहा हूं जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपका। मेथड चल रहा फ्लक्चुएटिंग बच्चे, यानी कि एक ही अकाउंट बनेगा। ये आपका अमाउंट कॉलम होता है, आपको ये बात पता है, और ये आपका अमाउंट कॉलम होता है। याद कीजिए हमने क्या बताया था, आप जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो चलो पहले बताओ कि पार्टनर्स कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट। सर ये तो हम भूल गए, कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो, कैसे भूल जाओगे। अरे हमने समझाया तो था कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितने भी नाम होते हैं उन सब का बैलेंस हमेशा आपका क्रेडिट होता है। आप भूल गए ना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितने भी नाम होंगे दे ऑल हैव क्रेडिट बैलेंस। तो पार्टनर्स कैपिटल का भी यहां पे बाई बैलेंस बीडी, ये आपका हो गया ओपनिंग कैपिटल आपका, बाई बैलेंस बीडी आपका जी, यानी कि दिस इज ओपनिंग कैपिटल। लिखिए मेरे साथ और क्लियरिटी आएगी कि मैं क्या कर रहा हूं। सर पार्टनर्स कैपिटल एक ही पार्टनर है ना बच्चे, मान लो कि एक ही पार्टनर है, कितने भी हो सकते हैं, काम तो यही करना है, कॉलम से बढ़ते चले जाएंगे। तो चलो एक तो बाई बैलेंस बीडी, मैंने कहा था आपको याद होगा कि जब जब कैपिटल बढ़ेगा तो आप क्रेडिट करते हो और जब जब कैपिटल कम होगा तो आप डेबिट करते हैं, याद है ना। हाँ मैं एंट्री करने का रूल फॉलो नहीं कर रहा हूं, ये फॉर्मेट आपका पहले मैं दे चुका हूं बच्चे आपको, मैं तो सिर्फ इस फॉर्मेट को समझा रहा हूं ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका आपका। मुझे ये बताइए कि ये जो आपका ओपनिंग कैपिटल है यहां पे कब कब बढ़ता है, कैसे कैसे बढ़ता है, जरा बताओ यहां पे क्या क्या आएगा। सर अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल दिया है, अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल डाला है तो हम कैपिटल को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं बच्चे आपका, यहां पे बढ़ा देते हैं, याद है ना आपको। सर हाँ जी, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस यहां चला गया। अगर कोई एडिशनल कैपिटल, सर एक बात बताओ क्या हम यहां लिखेंगे एडिशनल कैपिटल, नहीं बच्चे नहीं, यहां पे आता है बाई कैश, लेकिन मैं वो फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा, वो तो हम पढ़ चुके हैं। मैं ओपनिंग कैपिटल को निकालने का एक ट्रिक सिखा रहा हूं, उस ट्रिक के लिए सिंपल लैंग्वेज में सारी बातें आपके सामने लिख रहा हूं और कुछ खास नहीं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ और क्या होता था यहां पे, क्या लिखते थे। सर आप यहां पे लिखा करते थे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स आप लिखा करते थे यहां पे, ठीक है। ये ड्रॉइंग सब चला गया, कौन सा ड्रॉइंग्स, कोई भी ड्रॉइंग्स हो, चाहे वो आपका परमानेंट ड्रॉइंग्स हो जी, और चाहे वो रेगुलर ड्रॉइंग्स हो, एक ही तो अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, वो तो फिक्स में दो अलग अलग हो जाते थे, यहां तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो आप ओपनिंग कैपिटल यहां, एडिशनल कैपिटल यहां, जितने भी ड्रॉइंग्स किया उसको हमने यहां पे माइनस किया। अब जरा मुझे ये बताइए कि इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस साइड और क्या क्या आता था, और क्या क्या आता था, जरा सोच के बताओ, जरा बताओ क्या आता था, क्या आता था बच्चों। सर यहां पे और क्या आता था, कुछ भी नहीं आता था, क्या बात कर रहे हो आप। अरे प्रॉफिट, आपने जो साल के एंड में प्रॉफिट कमाया था उस प्रॉफिट को जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो भी तो यहां लिखा था, कैसे भूल सकते हैं आप। आप याद कीजिए, जो प्रॉफिट आपने कमाया था उस प्रॉफिट को भी यहां लिखा था, आपने बोला बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप सारी बातें भूलते जा रहे हैं, आपको नहीं भूलना, याद करो इसके अंदर क्या क्या आता था। तो इसके अंदर में अगर पार्टनर्स को हमें कुछ देना है जी, मान लो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मान लो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, वो भी हम दिया करते थे। मान लो हमने सैलरी देना है पार्टनर्स को, वो भी दिया करते थे। मान लो पार्टनर्स को हमें कमीशन देना है तो हम वो भी कमीशन दिया करते थे आपको यहाँ पे। हम पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट में शेयर, शेयर इन प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट दिया करते थे, हम वो भी क्या करते थे, आप यहाँ लिखा करते थे, सब कुछ देते थे, याद है ना आपको। ओपनिंग कैपिटल ये होता था,
एडिशनल कैपिटल जो कुछ भी एंड में पार्टनर्स को दिया उसको हम ऐड क्या करते थे, हम यहां माइनस करते थे ड्रॉइंग्स, और आप माइनस करते थे यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सर एक बात बताओ, आप यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चलो माइनस करते थे, हमें पता है, याद है, लेकिन आप लिखा करते थे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ बच्चे हाँ, वही लिखते थे, लेकिन बार बार कह रहा हूं ये हमारा कोई फॉर्मेट नहीं है, ऐसे ही समझा रहा हूं। फॉर्मेट तो मैंने पीछे आपको दिया हुआ है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही समझा रहा हूं कि मतलब क्या क्या चीजें यहां क्या क्या यहां पे आती थी। मैं चाहूं तो इनको भी हटा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ ऐसे समझा रहा हूं आपको। फिर क्या होता था जी, आप यहां पे ये सब काम करके और फिर आपका जो एंड में आता था वो होता था टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैपिटल आपका। चलो मैं अमाउंट पुट कर दूं यहां पे, आपका अमाउंट पुट कर दूं और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। जरा बताओ, मान लो आपका कैपिटल स्टार्टिंग में 8 लाख रुपए का अमाउंट था, 8 लाख का अमाउंट, 2 लाख रुपए बिजनेस में आपने और दे दिया तो 8 और 2 10 लाख रुपए हो गए। मान लो 30,000 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिल गया, 20,000 रुपए की आपको सैलरी मिल गई, 50,000 रुपए आपको कमीशन के मिल गए और 1 लाख रुपए प्रॉफिट में से आपको हिस्सा मिल गया। मैं बता रहा हूं अल्टीमेटली बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आ गया, तो क्या क्या बातें हो सकती है बच्चे। तो 8 और 2 10 और ये हो गया कितना, 2 लाख, यानी कि 8 2 10 2 12 लाख, यानी कि टोटल हो गया 12 लाख का अमाउंट। 12 लाख रुपए में से कहता है 12 में से कि आपने क्या किया है, आउट ऑफ 12 लाख रुपीज आपका, ये कहता है कि 3 लाख रुपीज आपने ड्रॉइंग कर लिया, 12 लाख में कहता है कि 3 लाख विड्रॉ कर लिया आपने। चलो बताओ 12 माइनस 3 कितना हो गया सर, 9 लाख। 9 लाख के बाद कहता है कि 1 लाख रुपीज का आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आपने क्या किया, मान लो चार्ज कर दिया। 1 लाख सर बहुत ज्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं, लो फिर मैं इसको 40,000 रुपये कर देता हूँ। अब तो खुश हो गया आपका, कुछ भी हो सकता है। तो बताओ 8 पहले से 2 और 10 हो गए, 10 के बाद 2 और 12 लाख रुपए, 12 में से 3 लाख रुपए प्लस 40, 3 40 निकल गया, तो कितना बच गया आपका सर, ये बच गया 8,60,000। सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया, बिना कैलकुलेटर यूज किए वगैरह भी आपने बिल्कुल सही बता दिया, 860 का अमाउंट आपका हो गया ना काम आपका। मैं कहता हूं कि आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा हुआ, मैं बोलता हूं कि कैलकुलेट, यहां दिया कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल, ये लो। मैंने कहा जरा बताओ कि आपका जो यहां पे ओपनिंग कैपिटल जो होगा फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल क्या निकल के आएगा, और मैंने ये जो आपका इंपॉर्टेंट नोट लिखा था ना बच्चे आपके लिए, फॉर्मेट आपका जो दिखाया मैंने, ये आपका हमने इसे क्वेश्चन बना दिया, हमने क्वेश्चन बना दिया। कितने एग्जाम्पल हमारे हो चुके थे, एग्जाम्पल कितने हो चुके थे मैं भूल गया, एग्जाम्पल शायद हमारे आपके 1 2 3 हुए थे, 3 ही हुए थे ना। चलो जो भी हुआ, अगर 3 तो इसको कर लो, ये मान लो एक एग्जाम्पल बना लो, 4th नंबर आपका, लो नोट के अंदर में ही हमने क्या किया, क्वेश्चन बना दिया, ये आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, बोला कि निकालो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे। अब हमें निकालना ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालो, कैसे निकालूं मैं, कहता है कि आप इस क्लोजिंग कैपिटल से इससे पता कीजिए कि ओपनिंग कैपिटल कितना है, ये निकालना आपने। अच्छा आपको ये पता नहीं 8 लाख रुपए है, मैं काम करता हूं इस 8 लाख को बाहर लिखता हूं, आप नहीं करना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया बच्चे, मान लो ये 8 लाख बाहर और इसको मैं मिटा दूं और यहां कर दूं क्वेश्चन मार्क, मतलब कि हमारा क्वेश्चन क्या है जी कि ये ओपनिंग कैपिटल आपको बताना है, ये क्लोजिंग कैपिटल आपको पता है, बोलता बताओ ओपनिंग कैपिटल कितना है। मैं दिखा रहा हूं फॉर्मेट अल्टीमेटली क्या होगा, चलिए मैं निकालता हूं, लिखिए मेरे साथ यहां पे, लिखेंगे, याद रखना ये 8 लाख, 8 लाख मान लो आपको नहीं पता, मान लो नहीं पता तो लिखिए मेरे साथ यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ आपका ओपनिंग कैपिटल। बहुत गंदा क्वेश्चन करा रहा हूं मुझे पता है, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है कि आप मेरी बातें समझ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपका निकाल रहा हूं जी ओपनिंग कैपिटल, और हमें कहां से निकालना, फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल आपका, तो लीजिए आपने यहां लिखा क्लोजिंग कैपिटल। जरा इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देख के बताओ कि आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना है सर, 8,60,000, ये लिखा हमने 8,60,000 का अमाउंट आपका, 8,60,000 लिख दिया ना सर, हाँ लिख दिया सर, थोड़ा ब्रेक भी दे दो ना बीच में, कैसे ब्रेक दूं मैं, कैसे दूं, अभी तो हमने जिंदगी शुरू की है, 12वीं क्लास में एंट्री किया है, लाइफ यहीं से तो शुरू हुई है, अगर आज ही ब्रेक तो फिर आगे कैसे काम चलेगा, पता नहीं कितने बड़े बड़े काम करने, मम्मी पापा का नाम भी रोशन करना है, अपनी लाइफ को भी बनाना है, गाड़ी बड़े बड़े भी लेके चलने हैं, खूब सारी चीज़ें हमारे पास, घर भी होना चाहिए, बंगला भी होना चाहिए, अभी ब्रेक नहीं,
अभी तो दौड़ लगाओ बस, सिर्फ दौड़। आओ जरा मैं शुरू करता हूं। क्लोजिंग कैपिटल यहां लिखा, मुझे ओपनिंग निकालना है। अब देखो ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय जिन जिन चीजों को आपने ऐड किया था, ये देखो आपने ऐड किया था ओपनिंग में, जिन जिन चीजों को आपने ऐड किया था उसको माइनस कर दो, और जिनको हमने माइनस किया था, जिसको माइनस किया था उसको ऐड कर दो। ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय अगर हमने प्लस किया था तो उसको माइनस कर देंगे, और जिनको माइनस किया था उसको प्लस कर देंगे, निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है? तो आप ही बताओ ना कि अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल से इससे अगर मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल रहा हूं तो मुझे बताओ कि मैं इनका क्या करूं, इनका एडिशनल कैपिटल क्या करूं, जो प्रॉफिट आपको दिया था उसको क्या करूं? सर ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय आपने इसको ऐड किया था ना, अब इसको माइनस कर दो। तो मैं इसमें माइनस कर दूंगा एडिशनल कैपिटल, जिन जिन चीजों को हमने प्लस किया था उसको माइनस कर देंगे। आप देखो एडिशनल कैपिटल कितना है जी आपका, 2 लाख रुपए। ये लो हमने 2 लाख रुपए माइनस कर दिया। रिपीट कर रहा हूं मेरे बच्चे, हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से बढ़ रहे हैं। क्लोजिंग से अगर ओपनिंग निकालूंगा तो क्लोजिंग से ओपनिंग निकालते समय क्या करूंगा, क्लोजिंग कैपिटल हमने लिखा यहां पे 8,60,000 रुपए। अब ये निकालते समय जिन जिन चीजों को हमने ओपनिंग में जिनको प्लस किया था उसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं आपका। ठीक है, बताओ फिर और क्या माइनस होगा? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने कैपिटल में ऐड कर दिया था, अब उसको माइनस किया जाएगा। और क्या है बच्चे? तो सर सैलरी भी है जो पार्टनर को दिया था, आप वो भी माइनस कीजिए। आप देखो आपने कमीशन दिया था वो भी माइनस कीजिए। जो कुछ भी दिया जो पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड हो चुका है, सुना मैंने क्या बताया, जो पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड हो चुका है हम उसको माइनस कर रहे हैं। और क्या जी, हमने शेयर इन प्रॉफिट, हमने यहाँ पे जो शेयर इन प्रॉफिट है उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। बोलो ना आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? सर 30,000। ये लो हमने इस 30 को भी हटा दिया। ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय जिन जिन को ऐड किया था उसको माइनस कर रहे हैं। सैलरी 20,000 रुपये भी माइनस कर दूंगा, यहाँ पे कमीशन 50,000 रुपये भी माइनस कर दूंगा, और यहाँ पे जो शेयर इन प्रॉफिट था आपका 1,00,000 रुपये वो भी मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। तो मेरे बच्चे ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय जिन जिन चीज़ों को हमने प्लस किया था उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जिनको माइनस किया था, ये देखो माइनस किया था, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। यानी कि आप यहाँ क्या कीजिए, ड्रॉइंग्स का अमाउंट को आप ऐड कीजिए। ड्रॉइंग्स का जो अमाउंट आपका है वो कितना जी, 3,00,000 रुपये यहाँ पर ऐड कर दो। ये लो हमने 3,00,000 रुपये ऐड कर दिया। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी आपने यहाँ पे माइनस किया था, हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आपका अमाउंट कितना हो गया, 40,000। तो आप जरा बताओ ये अमाउंट कितना निकल के आ गया, आओ जरा देखते कितना निकल के आया जी। सर वो 8,60,000 रुपये में आपने 2,00,000, 2,50,000, 3,00,000, 4,00,000 माइनस कर दो, तो माइनस कर दिया 4 लाख का अमाउंट। और हमें ऐड करना कितना जी, 3,40,000 का अमाउंट। ये कितना बन गया, 8 लाख। अरे ये क्या, ये तो 8 लाख ही आ गया जो आपका ओपनिंग कैपिटल था। ये देखो आपका 8 लाख ये निकल के आ गया ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल खत्म होगी बात। आप बिलीव करो, आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन करो, चाहे सीए का, सीएमए का, बीकॉम का, 12वीं क्लास का, आप कोई भी क्वेश्चन करें, आपको मैं गारंटी देता हूं, अभी मैं आपके बुक में दिखाऊंगा अभी, कि इससे टफ क्वेश्चन नहीं बन सकता। अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए टू द मैक्सिमम इतनी बातें आ सकती है, टू द मैक्सिमम आपका। तो जिनको हमने हमने कुछ भी तो नहीं बोला यार, ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय जिनको हमने प्लस किया था उसको माइनस कर दो, और जिनको हमने माइनस किया था उसको प्लस कर देंगे। ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय जिनको हमने प्लस किया था उसको माइनस करेंगे, जिनको माइनस किया था प्लस करेंगे, और टू द मैक्सिमम यही बातें तो होती हैं, हम इन्हीं को काम करेंगे, बाकी कुछ खत्म नहीं आपका। ठीक है ना? अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है। लिख लो बच्चे, पहले आप लिखो इसको फटाफट लिखो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। आज मुझे आपको पढ़ाना नहीं है, आज तो मुझे आपके अंदर में बस आग भर देनी है। वो आग इतनी तेज होगी कि आपके आस पड़ोस में जितने बच्चे 12th क्लास के होंगे वो जल के खत्म हो जाएंगे। उनके अंदर वो शक्तियां नहीं होंगी जो शक्तियां आपके अंदर आ चुकी है। बस आप हो और सिर्फ आप हो, आप हो बस और आप हो और कोई नहीं। मैं हूं बस मैं हूं और कोई नहीं, खत्म हो गई बात आपका, दूसरे का सवाल ही खत्म हो गया। आज के बाद हम किसी भी ऐसे बच्चों से बात नहीं करेंगे जो बच्चे आपके लेवल के नहीं है,
आपके लेवल के होने के लिए आयुष्म नाम जुड़ना जरूरी है बच्चे, आयुष्म ब्राइट ये जो नाम है, अगर ये नाम जुटेगा तभी जाके वो बच्चा स्ट्रोंग होता है। बाकी दुनिया के सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ रटते हैं अकाउंट्स को, सिर्फ रटते हैं। हम ये आयुष्म ब्राइट के बच्चे ही हैं जो कि हम सब कुछ समझते हैं तभी बात बनती है। मैं आपका CA CMA CS सभी को पढ़ाता हूँ, फाइनल लेवल तक पढ़ाता हूँ। मैंने देखा है बच्चों में कितनी सारी कमियाँ होती हैं, वो नहीं पढ़ कर आते, उनको ये भी नहीं पता होता, उनको ये भी बात है CA लेवल में जाके समझाना पड़ता है। जरा सोचो हमारी हालत क्या होती होगी कि एक CA का बच्चा जो है उनको हमें ये बात समझाना पड़ेगी। तो हम ऐसा क्यों हो यार, हम 12वीं क्लास की सारी बातें क्यों ना सीख ले, आपका वहाँ पे काम और सिंपल हो जाता है। लोग कहते हैं यार CA बड़ा टफ है, टफ है, टफ है, CMA बड़ा टफ है, टफ है, कुछ टफ नहीं है, सारी बातें कॉन्सेप्ट पे टिकी हुई है। अगर आपके कॉन्सेप्ट 11th से स्ट्रांग है तब तो टेंशन की दूर कोई बात ही नहीं बच्चे। अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी कमी आ गई 11th ऑनवर्ड तो वहीं बच्चे जाके आपका CA इस समय फेल होते, खराब होते हैं। तो अब मैं 11th क्लास की तो बात छोड़ ही देता हूँ, इवन 12th क्लास से भी अगर हम सीखना शुरू कर जाए और एंड तक हम चले तो हमारे चीज़ें यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। वही आपका 11th क्लास का NPO, वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वही रेक्टिफिकेशन, वही सिंगल एंट्री, वही BRF, वही फाइनल अकाउंट, ये पूरे एंड तक जाएगा, थोड़ा लेवल बढ़ते चला जाएगा। तो ऊपर की मजबूती तभी आती है जब नीचे से मजबूत होंगे, और नीचे की मजबूती यही 11वीं 12वीं क्लास देता है। तो बस खत्म होगी बात, हम लोग रटना बंद करेंगे, हम समझना शुरू करेंगे, काम खत्म। पिछली क्लास में पूरा जो हमारा डिस्कशन था वो था अगर कैपिटल अकाउंट हमारा फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर में हम अपने अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, मतलब हमने ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला, फिर इंटरेस्ट कैसे निकाला, हमने उसके बारे में सीखा था, आपको याद होगा। आज हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो काम है, एक तो हमें फिक्स कैपिटल मेथड को समझना है जी, वहाँ पे हमें उतनी सारी बातें ध्यान नहीं देनी पड़ती बच्चे जितना हमने ध्यान पिछली बार आपको दिया था फ्लक्चुएटिंग के अंदर में। वहाँ तो पता नहीं कैपिटल में क्या क्या प्लस क्या क्या माइनस हो गया था, आपको याद होगा कि जितनी सारी चीज़ें पार्टनर्स की है सभी कैपिटल अकाउंट में प्लस माइनस कर दिया था आपने, तो जिनको प्लस किया था उसको हमने माइनस किया था, जिसको माइनस उसको प्लस किया था, हम ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गए थे। हाँ, हमने एक जोड़ दिया था क्वेश्चन नंबर 24 के साथ कि जिनको प्लस किया है उन्हीं को माइनस करेंगे और जिनको माइनस किया उन्हीं को प्लस करेंगे, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज मैं क्या करता हूँ, आपको हल्की फुल्की बातें करूँगा, आज हमें बहुत कुछ पढ़ना नहीं है जी, बहुत कुछ हम जानते हैं। और हम फिर क्या करेंगे, एक बार देखेंगे कि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर में अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है और ओपनिंग कैपिटल निकालना तो फिर क्या बातें निकल के आएंगी। मैं आपको पहले थोड़ी सवाल बता दूँ, 12th क्लास का जितना सिलेबस है मैं आज की क्लास में थोड़ा सा उससे अप जाऊँगा, थोड़ा सा आगे। सर क्यों? देखो कुछ खास रीज़न नहीं बच्चे, सिर्फ चाहता हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो ठीक से स्ट्रांग हो जाए, बस इतना ही मोटिव है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को बढ़ा लीजिए ताकि जब हम बड़े कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं ना तो छोटा कॉन्सेप्ट अपने आप बड़ा सिंपल लगना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं अगर यही आपको समझाऊंगा तो फिर यही आपके लिए टफ हो जाएगा, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा ताकि आपको ये अच्छा लगे, आपको बड़ा सिंपल लगे, ठीक है ना। आइए जरा हम शुरू करते हैं। आज हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड है और उस केस में अगर हमें ओपनिंग कैपिटल पता करना है जी, इंटरेस्ट निकालने के लिए, फिर क्या क्या बातें हो सकती है। चलो शुरू करते हैं, आप स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। यहाँ पे लिखिए आज का टॉपिक आपका, हम लोग अभी टॉपिक कौन सा कर रहे हैं जी, हमारा टॉपिक चल रहा बच्चे पार्टनरशिप, ये तो आपको पता ही है। सर हाँ जी सर, हम पार्टनरशिप के अंदर में हैं। और पार्टनरशिप में हमारा क्या चल रहा बच्चे, अभी हम तो फंडामेंटल ही हैं, पहला बेसिक चैप्टर हम लेके चल रहे हैं। सर आज इतनी बातें क्यों लिख रहे हो, ऐसे ही मन कर रहा है? मैं थोड़ा सा आपको बता दूं मैं हूं कौन, मेरा नाम संतोष कुमार है बच्चे। आपको ये तो बात कम से कम याद ही होगी, ये तो नहीं कि इतने क्लास में मेरे नाम भूल गए। मैं CA भी हूं और CMA भी हूं, ये क्वालिफिकेशन मैंने आपके लिए रखा हुआ है थोड़ा सा आपको नॉलेज को और आगे बढ़ाने के लिए। आओ जरा आज हम लोग क्या करेंगे, आज हमारा केस 2 आएगा। पहले आप याद कीजिए आपका हेडिंग क्या था, हम लोग हेडिंग लिखे थे कंप्यूटेशन ऑफ, हमारा हेडिंग चल रहा था बच्चे कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकालना किसके लिए जी, फॉर कैलकुलेटिंग आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो उस काम को करने के लिए हम आपका ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। अब आ जाओ जरा, आज हमने क्या करना है, इसके अंदर में केस नंबर 2 रेडी करना है। केस 1 पिछली क्लास में था, केस नंबर 2 कहते हैं कि इस बार आपका इफ
इफ अगर कैपिटल अकाउंट, अगर आपका जो कैपिटल अकाउंट है, इफ कैपिटल अकाउंट इज अगर कहता वो आपका फ्लक्चुएटिंग है, ना 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 फिक्स्ड है बच्चे, कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, यानी कि फिक्स मेथड को हम लेके फॉलो कर रहे हैं। आपको याद होगा जब फिक्स मेथड को फॉलो करते थे तो हम दो अकाउंट बनाते थे, एक हमारा होता था जी कैपिटल अकाउंट, एक हमारा कैपिटल अकाउंट होता था बच्चे, और एक हमारा करंट अकाउंट होता था। आपको बातें याद है ना? हाँ जी सर हमें याद है। हमने जब हमने फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो किया था तो हमने दो अकाउंट बनाए थे, एक कैपिटल एक करंट। मैंने कहा था कि सारी बातें यहाँ पे करंट अकाउंट में चली जाती है, सारी बातें। कैपिटल अकाउंट में क्या आती है जी, तो मैं आपको दिखाऊँ, मैं याद कराना चाहता हूँ कि याद करो जरा फॉर्मेट जो आपको हमने दिया था, फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड। ये हमने बहुत पहले आपके साथ स्टडी किया हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं आपको बेसिकली सारी बातें ठीक से समझाना चाहता हूँ, इसलिए एक बार दोबारा मैं फॉर्मेट आपको दिखा दूँ कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड आपका। तो देखो ना, ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट, ये हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में आप यहाँ लिखा करते थे बाई बैलेंस बीडी। सर हाँ हमें याद है, बाई बैलेंस बीडी हम यहाँ लिखा करते थे। मान लो ओपनिंग कैपिटल आपका 5 लाख रुपये का अमाउंट था, आपका यहाँ पे 5 लाख का अमाउंट याद है ना बच्चे? सर हाँ जी। मुझे बताइए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करते थे तो इस साइड एक और कौन सा नाम आप रिकॉर्ड करते थे, याद है आपको? सर हाँ, यहाँ पे एक नाम रिकॉर्ड होता था जी बाय एडिशनल कैपिटल, आपका बाय एडिशनल कैपिटल। हमने अगर साल के बीच में कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में डाला हुआ है, मान लो 4 लाख रुपये, तो वो भी हम क्या करते थे, कैपिटल में ऐड करते थे बच्चे। तो जरा बताओ ना, 5 लाख पहले से 4 और दिया, टोटल कितने हो गए? सर 9 लाख रुपये आपका, ये 9 लाख का अमाउंट आपका हो गया, 9 लाख रुपये आपका। अच्छा मुझे बताओ 9 लाख में फिर यहाँ पर क्या आता था? सर यहाँ पर आता था अगर कोई परमानेंट ड्रॉइंग्स हुआ तो, परमानेंट अगर ड्रॉइंग्स कोई हुआ है तो परमानेंट ड्रॉइंग्स को हम लोग क्या करते थे, यहाँ से माइनस करते थे। मान लो 9 लाख में से 2 लाख रुपये आपका यहाँ पे हो गया परमानेंट ड्रॉइंग्स आपका। तो चला बताइए 9 लाख में 2 लाख निकलने के बाद आपके पास यहाँ पे टू बैलेंस सीडी आपके पास यहाँ कितना बच जाएगा? सर 7 लाख का अमाउंट। मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड आपका हुआ करता था तो फिक्स कैपिटल मेथड में दो नाम यहाँ पे आएंगे, इनके सिवाय दूसरा कोई नाम नहीं आएगा। आपको याद होगा इनके सिवाय जितनी सारी बातें थी वो सभी आपके पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाती थी बच्चे, चाहे वो आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, चाहे वो आपका एक ड्रॉइंग्स जिसका नाम था जी रेगुलर ड्रॉइंग्स वो भी आपका। और याद है मैंने परमानेंट ड्रॉइंग्स का एक नाम दिया था, हम इसको कहते हैं जी ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, याद है ना आपको? सर हाँ जी, आपने ड्रॉइंग्स भी दो तरीके का बताया था, मैं वो भी लिख देता हूँ ताकि एक बार रिविजन हमारा हो जाए। एक हमने आपको ये बता दिया जी नोट के रूप में आपका, फिर मैं इसके आगे बढ़ूंगा। एक नोट और देता हूँ, ये नोट जो है पिछली क्लास का जो हमने स्टडी किया था अभी तक उन्हीं में से कहीं से निकल के आया बच्चे। याद करो यहाँ मैंने कहा था कि जो ड्रॉइंग्स होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं आपका। एक आपका ड्रॉइंग्स होता है जिसको हम बोलते हैं रेगुलर ड्रॉइंग्स आपका, और एक आपका ड्रॉइंग्स जिसको हमने बोला था परमानेंट ड्रॉइंग्स। याद है ना बच्चों? हाँ सर याद आ रही है हमें कि ड्रॉइंग्स दो तरीके का था, एक रेगुलर एक परमानेंट आपका। हमने ड्रॉइंग्स रेगुलर को कहा था, इसका दूसरा नाम होता है ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट कह दे, इन लीव ऑफ प्रॉफिट कह दे, इसका मतलब कि रेगुलर ड्रॉइंग्स है। और इसको हमने कहा था दिस इज कॉल्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल को ही प्रोपोर्शनेट करने के लिए जो पैसा हम विड्रॉ कर लेते हैं उसको बोलते हैं हम आपका परमानेंट ड्रॉइंग्स। तो रेगुलर ड्रॉइंग्स आपका ये हो गया और परमानेंट ड्रॉइंग्स आपका ये हो गया। कुछ याद आ रही है बातें या भूल चुके सब कुछ? नहीं सर हमें याद है। अगर आप भूल भी चुके तो कोई टेंशन की बात नहीं है, एक बार चेक कर लो, हमने दूसरी या तीसरी या चौथी क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो उन बातों को हमने क्या किया यहाँ पर रिकॉर्ड किया आपका। और याद करना कि जो रेगुलर, अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड की बात करते हैं तो रेगुलर ड्रॉइंग्स की जो आपने रिकॉर्डिंग किया था वो करंट अकाउंट में किया था बच्चे। अगर वो रेगुलर ड्रॉइंग्स है तो आपने करंट अकाउंट में किया था, और अगर वो परमानेंट ड्रॉइंग्स आपका तो ही आपने उसकी रिकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट में की थी। सर हमें याद आ गया, आगे बढ़ो।
हाँ, हमने ये भी कहा था कि ये जो डिफरेंसेज हो रहे हैं वो डिफरेंसेज हमें सिर्फ समझना जी आपका फिक्स के मेथड में। अगर ये फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड जो पिछली क्लास में देखा था बच्चे, उसमें चाहे आपका ड्रॉइंग्स कोई भी हो सब कहाँ जाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसलिए पिछली वाली क्लास में आपको टेंशन नहीं था, आपने क्या किया सभी ड्रॉइंग्स को वहीं से आपने दिखाया। बट यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पर कैपिटल निकाल रहे हैं, अगर हमें मान लो कि आपका क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो हमें परमानेंट ड्रॉइंग्स को ही कंसिडर करना होगा, रेगुलर ड्रॉइंग्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो अकाउंट में आते ही नहीं है। और एक बात और याद कीजिए, मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन आपको ये साफ साफ ना बताए कि ड्रॉइंग्स आपका परमानेंट है कि रेगुलर है, तो आप उसको कहा थे कि रेगुलर ड्रॉइंग्स मानेंगे। मैंने नोट लिखाया था, आप भूल तो गए हैं मुझे याद लग रहा है, मुझे आपके चेहरे से लग रहा है कि आप सब कुछ भूल चुके हैं। कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है, इंसान ही तो है, भूल गए तो कौन सा बड़ा पाप कर दिया यार। आपके पास है पीछे के वीडियो का, आप देखे जरा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने कहा ड्रॉइंग्स आपका एक रेगुलर, एक आपका परमानेंट। रेगुलर का मतलब आपका या ये और दूसरा ये। और हाँ, जब हम फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ परमानेंट ड्रॉइंग्स आपको आता है। आइए मैं अब आपको समझाऊँ, आप इसको एक बार कॉपी कर लो नोट के रूप में जी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए जरा, नोट हो गया सर। आइए अब मैं आपको बताऊँ जी, अगर हमने यहाँ पे कहते हैं नोट नंबर थ्री, अगर नोट नंबर थ्री मैं आपको बता रहा हूँ कंप्यूटेशन ऑफ, कैसे कंप्यूट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ आपका ओपनिंग कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल, फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है जी क्लोजिंग कैपिटल से, और लिखा हमने अंडर अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, अगर फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे बच्चे जरा बताओ हम क्या करेंगे यहाँ पे, आपका क्या करेंगे। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ समझाता हूँ। मैंने पहले लिखा यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल, काम वही करना है जो पिछली क्लास में किया था कि ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय जिसको हमने प्लस किया उसको माइनस कर देंगे और जिनको माइनस किया उसको प्लस कर देंगे। तो आप देखो ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय ओपनिंग में एडिशनल कैपिटल को ऐड किया था, तो जब मैं क्लोजिंग से बढ़ूंगा तो एडिशनल कैपिटल क्या करूंगा यहाँ पे, माइनस करूंगा जी। आपने क्या करना है यहाँ पे, एडिशनल जो आपका कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल आपने क्या करना वो यहाँ पे लाके माइनस करना बच्चे, माइनस करना, ब्रैकेट का मतलब कि माइनस करना है। अब देखो ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय परमानेंट ड्रॉइंग्स को आपने माइनस किया था, परमानेंट ड्रॉइंग्स को, रेगुलर को नहीं, हम बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट की बात नहीं कर रहे बच्चे। तो अगर ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय अगर आपने परमानेंट ड्रॉइंग्स को आपने माइनस किया था, तो अब मैं क्या करूंगा परमानेंट ड्रॉइंग्स को ऐड कर दूंगा, परमानेंट ड्रॉइंग्स जो आपका होगा हम उसको ऐड कर देंगे। अगर हमने परमानेंट ड्रॉइंग्स को ऐड कर दिया, अमाउंट आपको कहता है कि 2 लाख है मान लो, जो भी अमाउंट रहा यहाँ पे ऐड कर दिया, तो काम खत्म हो गया, यही निकल के आ जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। अरे ये तो और भी सिंपल है, ये तो और भी सिंपल है, यहाँ तो हमें बहुत सारी चीज़ों का टेंशन ही नहीं है। वो आपका पिछले वाले मेथड में यार प्रॉफिट के बारे में सोचो, आपका वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में सोचो, ये कुछ भी नहीं सोचना यहाँ पे यार, कुछ भी नहीं सोचना। और ये याद रखना मैं टफेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये टफेस्ट क्वेश्चन है कि अगर क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है और अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर में, हमें पता है कि ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय 2 चीज़ें ही यहाँ पे प्लस माइनस होते हैं, तो जो प्लस किया था उसको माइनस कर दो, जिसको माइनस किया था उसको प्लस कर दो, निकल जाएगा जो ओपनिंग कैपिटल। तो आप मुझे बताइए कि ये जो फिक्स कैपिटल मेथड है वो ज़्यादा सिंपल है कि पिछला क्लास ज़्यादा सिंपल था? सर ये ज़्यादा सिंपल लग रहा है ओपनिंग निकालने में, कैसी बात करते हो, पिछले क्लास में भी क्या दिक्कत थी यार, वो भी सिंपल था, दोनों सिंपल है, आप एक को ही क्यों बोल रहे हो, गंदा लगता मुझे, दोनों सिंपल है, काम तो वही है, जिन चीज़ों को हमने प्लस किया उसको माइनस करना है, जिनको माइनस किया प्लस करना है, और कौन सी बड़ी बात कर रहा हूँ ये। आइए जरा हम इनके अंदर में कुछ एग्जाम्पल देख लें, कुछ समझ लें और फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। लिखे मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल ये लीजिए एक डायग्राम के साथ। डायग्राम कहता है कि यार चलो मैं डायग्राम बनाऊँ या क्वेश्चन दूँ, लो पहले क्वेश्चन में देता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ। बोलता है कि कैलकुलेट कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल (clears throat)
from sorry and calculate interest on capital and calculate interest on capital under fixed capital method. लो हमने कह दिया ये fixed capital method चल रहा बच्चे. जब भी बात fixed capital method की हो जाएगी तो इसका मतलब कि हमें ध्यान देना होगा कि capital में हम दो चीज़ ही तो plus minus करते हैं. अगर reversal करना हुआ तो उसी को करेंगे. आपका ये कह रहा आपका कि जो capital आपका है capital at end में कहता है कि जो capital है वो कहता है कि 8 लाख रुपए का amount आपका है, 8 lakhs का amount आपका. फिर कहता है कि आपने जो एडिशनल कैपिटल दिया है साल के बीच में एडिशनल कैपिटल आपके होते हैं, वो कहता है कि आपने 2 लाख रुपए आपने दिया है, 2 लाख रुपए दिया है. फिर कहता है कि आपने यहाँ पे एक परमानेंट ड्रॉइंग्स जो होता है वो ध्यान की याद कीजिए, आप कैपिटल अकाउंट से ही माइनस करते हैं बच्चे. तो परमानेंट ड्रॉइंग्स कहता है कि आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए का किया है, 1 लाख रुपए का कहता है कि आपका परमानेंट ड्रॉइंग्स है. आपको ये भी पता है कि परमानेंट ड्रॉइंग्स को हम कहते हैं ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल का मतलब हो गया कि कैपिटल से ही हमने इसको माइनस किया होगा, वो करंट अकाउंट से माइनस नहीं हुआ होगा. और बोलता है जरा बताओ जी आप क्या करेंगे. हाँ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये कहता है मान लो एट द रेट ऑफ 10% पर है ना, 10% के हिसाब से बोलता है कि आप इंटरेस्ट निकालो. यहाँ पे बोलता बताओ क्या करेंगे. आओ मैं शुरू करता हूँ जी. सर ये तो पिछली क्लास की ही बात है. हाँ बच्चे हाँ, बस नाम आ गया फिक्स कैपिटल का, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा. और क्या जाएगा इसके अंदर में, ये लो मैं आपके साथ रेडी करता हूँ सॉल्यूशन. मुझे बताइए अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, आप लिख रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. हमें ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर निकालना है तो मैं क्या करूँगा. सर करना क्या है, आप पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखो. लो हमने लिख दिया, ये हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल है बच्चे, जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितना बता रहा है आपको यहाँ पे, सर 8 लाख का अमाउंट. ये लिखा हमने 8 लाख रुपए का अमाउंट, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो गया. मुझे बताओ इस क्लोजिंग कैपिटल को निकालते समय एडिशनल कैपिटल को आपने क्या किया था. सर हमने प्लस किया था. तो अब क्या करेंगे, सर माइनस करेंगे. तो ठीक है, तो लिखो ना यहाँ पे. आप बोलते क्यों, आप लिख लो बस एडिशनल कैपिटल. जो चीज़ें आपको आती हैं आप सुनोगे भी क्यों, आप फटाफट लिखना शुरू करो. ये एडिशनल कैपिटल क्या करना है जी, 2 लाख रुपए हमें यहाँ से माइनस कर देने हैं. ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय हमने इसको ऐड किया था तो अब इसको माइनस कर देंगे. और जो परमानेंट ड्रॉइंग्स है 1 लाख रुपए, वो तो हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय माइनस कर दिए थे. तो अब मैं क्या करूँगा, सर उसको हम ऐड कर देंगे. तो आपने क्या किया, परमानेंट ड्रॉइंग्स जो आपका है, परमानेंट ड्रॉइंग्स यहाँ पे वो हमने क्या किया जी, यहाँ पे आपने ऐड किया. जरा बताओ अमाउंट कितना है, सर 1 लाख रुपए का अमाउंट. तो आप क्या करो यहाँ पे 1 लाख रुपए यहाँ पे प्लस कर दो, 1 लाख प्लस. अब मुझे बताओ अमाउंट कितना निकल के आ गया, तो सर 8 माइनस 2 6 प्लस 1 7, यानी कि 7 लाख रुपए यहाँ पर निकल के आया जी आपका यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल बचे. ये आपने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया, ओपनिंग कैपिटल. ये काम पूरा हो गया आपका, ओपनिंग कैपिटल. ठीक है ना सर, ठीक है जी. आप लिख लो पहले, फिर मैं आगे बात करता हूँ. सर हो गया, आगे बढ़ो. तो देखो हमने क्या किया, आपका ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया. अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है यहाँ पे 10% के हिसाब से. बोलता बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकल के आएगा. आप प्लीज़ बुरा नहीं मानना, थोड़ी बातें पिछली क्लास की यहाँ पे आएंगी, आपको परेशान करेंगे, लेकिन आप अपना धैर्य बनाकर रखना बच्चे मेरे साथ. मैं आपको आगे पीछे नहीं होने दूंगा, आपको मेरे साथ सुनना है पूरी बातें, सारी बातें समझ में आएंगी, इस बात की आपको गारंटी देता हूँ. अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर निकालूंगा आपका यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पता है मैं काम करता हूँ, अगर हमें इंटरेस्ट निकालना तो हमें डेट भी तो लिखना पड़ेगा जी, डेट आपका. तो मैं काम करता हूँ, चलो छोड़ो ना, मैं डेट आपको ऐसा करता हूँ कि ये जो लिखा था कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल एंड जो था उसको हटा दो. चलो इस क्वेश्चन में हमने इतनी ही बातें जाननी है, इसके सिवाय कुछ नहीं जानना, हमने इतना ही काफ़ी. मैं थोड़ा और पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ. हमने लिखा कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल अंडर फिक्स कैपिटल मेथड आपका, ठीक है ना. तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दीजिए कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल अंडर फिक्स कैपिटल मेथड. इंटरेस्ट निकालने की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हमारा ये काम खत्म हो गया आपका, ये काम खत्म हो गया सर. ठीक है. तो आपने क्या किया, काम पूरा किया आपने यहाँ पे. अब मैं काम करता हूँ, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 1. अब मैं एग्जाम्पल आपके लिए और बनाता हूँ, मतलब जो टफ चीज़ें उसको स्लोली स्लोली आपके दिमाग में डालने की कोशिश करता हूँ. मैं इसको मिटाता हूँ बच्चे, लिख लिया आप लोगों ने.
सर हाँ जी हमने लिख दिया, तो लो हमने इसको मिटाया। मैं क्वेश्चन को थोड़ा और अपग्रेड करता हूँ, थोड़ा और अपग्रेड करता हूँ। मैंने यहाँ लिखना है, मैंने यहाँ लिखना है आपका एग्जाम्पल नंबर टू। लिखिए मेरे सर एग्जाम्पल नंबर टू, कहता कि कैलकुलेट कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, या छोड़ो ना अब ओपनिंग कैपिटल नहीं, बोलता कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना यहां सीखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडर अंडर आपका यहां कहता है कौन सा लूम है बताओ जरा। तो सर अंडर फिक्स कैपिटल मेथड आपका, वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, फिक्स कैपिटल मेथड से आपको यहां पर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ये लो, अच्छा लगेगा क्यों ना हम एक डायग्राम पे सारी बातें आपके साथ लिखें, ड्राइंग पे, आपके ड्राइंग डायग्राम पे। ये रहा डायग्राम में 1 जनवरी 2016 का स्टार्टिंग आपका। कहता कि यहाँ आपका कैपिटल कितना था मैं नहीं पता, आप खुद निकाल लेना। वो कहता है कि इस दिन पे यानी कि आपका 1 अप्रैल 2016 में आपने क्या किया, एडिशनल कैपिटल बिजनेस में डाला। कहता है कि आपने यहाँ पे एडिशनल कैपिटल बिजनेस में डाला है, और ये एडिशनल कैपिटल कहता है कि मान लो आपका 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट है। मैं आज पहले ही कह चुका हूँ, मैं थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, शायद आपकी बुक उतने लेवल की नहीं है, लेकिन मेरी बात का विश्वास करो, इस बात को समझने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे किसी भी लेवल का हो। तो लो ये हो गया 1 अप्रैल। फिर लिखता हूँ कि आपने क्या किया, 1 अक्टूबर 2016 को आपने यहाँ पे क्या किया जी, ड्रॉइंग्स किया। कौन सा ड्रॉइंग्स, कहता है कि परमानेंट ड्रॉइंग्स आपका, आपने परमानेंट ड्रॉइंग्स यहाँ पे किया है। और ये परमानेंट ड्रॉइंग्स कहता है, परमानेंट ड्रॉइंग्स आपका ये हमने किया है जी रुपीज आपका मान लो 2 लाख रुपीज का, 2 लाख रुपये का। और ये हो गया आपका एंड, यानी कि 31 दिसंबर 2016। कहता है कि यहाँ पे आपका जो कैपिटल है यानी कि क्लोजिंग कैपिटल, कहता है कि यहाँ जो आपका कैपिटल है यानी कि जो क्लोजिंग कैपिटल है, वो क्लोजिंग कैपिटल कहता है कि मान लो ये 20 लाख रुपए का अमाउंट है, मान लो 20 लाख अमाउंट आपका। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने एक दे दिया जी डेट वाइज आपका, बोलता बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आपका होगा। याद रखना पिछली क्लास, कुछ नया चीज नहीं पढ़ा रहा, हमने पिछली क्लास में भी आपको कहा था कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो कैपिटल का जितना अमाउंट जितने समय आपने यूज किया उतने समय का उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। याद है ना आपको? सर हाँ जी सर हमें याद है, आप बताओ कहना क्या चाहते हो। देखो पहले तो मैं क्या करूँगा, ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा, पहले मुझे ओपनिंग कैपिटल जानना है, ओपनिंग कैपिटल आपका। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले जी कंप्यूटेशन ऑफ, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ आपका ओपनिंग कैपिटल। बिना ओपनिंग कैपिटल जाने बगैर हम कैसे काम करेंगे? सर एक बात बताऊं, आप खामखा समय बर्बाद कर रहे हो, ओपनिंग कैपिटल निकालना तो कैलकुलेटर आपके पास है, हाथ में रखो ना। 20 लाख रुपए क्लोजिंग कैपिटल है, 20 लाख क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय ड्रॉइंग्स परमानेंट आपने माइनस किया था, उसको ऐड कर दो, तो आप 2 लाख रुपए यहाँ पे ऐड कर देना। एडिशनल कैपिटल को आपने यहाँ पे ऐड किया तो उसको माइनस कर देना, 5 लाख रुपए का अमाउंट निकल के आ गया 17 लाख रुपए। तो ओपनिंग कैपिटल सर 17 लाख रुपीज का अमाउंट है, ये जिस ओपनिंग कैपिटल को आप निकालना चाह रहे हो वो 17 लाख का अमाउंट है। मैं जानता हूं बच्चे आप निकाल लोगे, लेकिन आपको ये काम करना एग्जामिनर के लिए, एग्जामिनर को आपको एग्जाम में सारी बातें समझानी है कि जो चीज आपने निकाला वो कैसे निकाला, कैसे निकाला। तो देखो मैं बता रहा हूं ओपनिंग कैपिटल कैसे हमने निकाला, मैं आपको वही बात जो आपने क्या समझा रहा हूं लिखिए यहां पे। आपने लिखा कि देखो जी जो क्लोजिंग कैपिटल है, आपने लिखा कि जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आपका 20 लाख रुपए का अमाउंट आपका है, 20 लाख का अमाउंट आपका है ना बच्चे? सर हाँ जी। तो क्लोजिंग कैपिटल आपका 20 लाख रुपए हो गया। जो परमानेंट ड्रॉइंग्स किया था अंडर फिक्स कैपिटल मेथड आपका, ये क्या करते हम कैपिटल से माइनस कर देते हैं। ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, तो आप इसमें क्या करना, ऐड करना परमानेंट ड्रॉइंग्स आपका, परमानेंट ड्रॉइंग्स जो आपका है आप उसको यहाँ पे ऐड कीजिए। जरा बताओ कितना अमाउंट है जी? सर 2 लाख रुपए। लो ऐड कर दिया हमने यहाँ पे 2 लाख रुपए ऐड कर दिया। फिर जो एडिशनल कैपिटल है आप देखो 5 लाख क्लोजिंग में ऐड हो चुका है, ओपनिंग को निकालने के लिए हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो एडिशनल कैपिटल का जो अमाउंट है जी वो आपका कितना, 5 लाख रुपए आप यहाँ से क्या करो, माइनस कर दो, आप माइनस करो। मुझे बताओ ना कि कितना हो गया, 20 प्लस 2 22 माइनस 5 17 लाख तो आ गया,
सर हमने कहा तो था, मैं कहां मना कर रहा हूं, कहां मना कर रहा हूं कि आपने नहीं कहा था बच्चे, आपने कहा था, मैंने भी सुना था, लेकिन मैं क्या करूं, एग्जामिनर नहीं सुनता। एग्जामिनर को सारी बातें समझानी होती है, तभी तो एग्जाम है। एग्जाम में आप हो जाते हो इंटेलिजेंट और आपका जो एग्जामिनर वो एक बेवकूफ माना जाता है, उस बेवकूफ को सारी बातें आपको समझानी होती है। वही बात तो आप यहां पर समझा रहे हैं। आपने कहा कि यार ओपनिंग कैपिटल 17 लाख रुपीज का अमाउंट था, ठीक है, अब हमें क्या करना, इंटरेस्ट निकालना। ओह रेट तो बताया नहीं रहा, आप ही बताओ ना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ना बताए तो कितना माना जाता है, 6% के 10%, जरा बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट अगर ना बताए तो कितना मानते, 6% के 10%। सर वो तो 6% था, 6% ही था ना बच्चे, अरे 6 ही था ना सर, शायद 6 था। आज क्या हो गया आपको, आप कैसी कैसी बातें कह रहे हैं, बहकी बहकी बातें। अरे अरे वो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन था, इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल नहीं था। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोलता तो हम कुछ नहीं मानते, जीरो मानते। अच्छा तो सर यहां पे इंटरेस्ट नहीं निकालोगे, निकालूंगा बच्चे, गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट लिखना मैं भूल गया, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो लिखा रहेगा अगर इंटरेस्ट निकालना है तो। ऐसा नहीं कि ना बोले तो 6% मान लेना, आप भूलो ना। चलो मैं लिख देता हूं यहां पे कि मान लो रेट यहां पे 10% पर एनम आपका है, मान लो रेट आपका 10% पर एनम है, तो 10% के हिसाब से हमें क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है, यही बात तो हमें करनी है। अच्छा सर ठीक है, मतलब इंटरेस्ट का रेट बताएगा पक्का है, हाँ बच्चे पक्का है, ना बताए तो फिर नहीं है इंटरेस्ट, क्योंकि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होता तो नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल आपका, ये बात पता आपको, काम का फिर भी गलती करते हैं आप। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माफ किया मैंने। तो ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गया आपको 17 लाख रुपए का अमाउंट, आपको यहाँ पे 17 लाख रुपीज का अमाउंट। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो मुझे देखो इंटरेस्ट कैसे निकालना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करूंगा मैं इस काम को। मैं ना आपको एक काम करता हूँ, ये हमारा 2 में नंबर A हो गया, अब मैं 2 में आपको B दिखाता हूँ, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम निकालते हैं तो कैपिटल का जितना पैसा जितने समय हमारे बिजनेस में यूज हुआ हम उसी पे निकालते हैं बच्चे, ये बात पता है ना आपको। सर हाँ जी, लो मैं ये डायग्राम आपके सामने रखता हूँ, इस डायग्राम पे शायद आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ये रहा आपका 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016, और ये रहा आपका यहाँ पे 31 दिसंबर 2016, ये रहा हमारा टाइम पीरियड, ये हमारा करंट ईयर है बच्चे। आपको सिर्फ ये बताना है इसको पढ़ते हुए कि जरा बताओ कितना पैसा कैपिटल का कितने समय यूज हुआ। तो देखो कैपिटल में चेंज कहाँ कहाँ आया, एक तो 1 अप्रैल को, फिर 1 अक्टूबर को, तो मैं वो डेट यहाँ लिख देता हूँ। ये लो आपका 1 अप्रैल यहाँ पे हो गया, और ये रहा आपका यहाँ पे 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर आपका यहाँ पे रहा। अब मुझे आप बताइए कि 1 तारीख को कैपिटल कितना था, सर 17 लाख रुपीज। 1 तारीख को कैपिटल कितना था, 17 लाख रुपए। तो 1 तारीख से लेके 1 अप्रैल तक, क्योंकि अप्रैल में आपने 5 लाख रुपए कैपिटल में और ऐड कर दिया बच्चे, और ऐड कर दिया, तो हम कहेंगे भैया इस टाइम पीरियड में हमारा कैपिटल कितना रहा जी, 17 लाख, 17 लाख रुपए। समझो मेरी बात, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, ये छोटा सा मैथमेटिक्स है, आपको पता है ये बात, मैथ पढ़ते हैं आप, कि 1 जनवरी से 1 अप्रैल आपका कैपिटल कितना था, 17 लाख रुपए का अमाउंट। मुझे बताओ फिर आपका 1 अप्रैल को आपने 5 लाख बिजनेस में और डाल दिया, अगर 5 लाख बिजनेस में और डाल दिया तो कैपिटल जो पहले 17 लाख रुपए था वो 5 लाख बढ़ा के कितना हो जाएगा, सर इसके बाद तो कैपिटल फिर 22 लाख रुपए हो गया, 17 लाख पहले से था और 5 लाख ऐड किया तो 22 लाख रुपए हो गया, मानते इस बात को ना सर, हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने कैपिटल में क्या किया था जी, 5 लाख रुपए प्लस किए थे बच्चे, 5 लाख प्लस किए थे, तो अब कैपिटल आपका 22 लाख हो गया। अच्छा ठीक है, आप देखो 1 अक्टूबर को क्या किया, आपने कैपिटल में से 2 लाख रुपए निकाल लिए। अगर आपने कैपिटल में से 2 लाख रुपए निकाल लिए तो मुझे बताओ कि 22 में 2 लाख निकलने के बाद अब कैपिटल बिजनेस में आपका कितना रहा, सर 20 लाख रुपए आपका, 20 लाख रुपए रहा जी, यही रहा ना बच्चे, सर हाँ जी यही रहा। तो खत्म होगी बात, आप निकाल लो इंटरेस्ट, कैपिटल का जितना पैसा बिजनेस में जितने समय रहा उतने समय का आप इंटरेस्ट निकाल लो। तो जरा बताओ 17 लाख पे रेट कितना चल रहा है, सर रेट चल रहा है 10% आपका, ठीक है ये लिखा हमने 10%।
मुझे ये बताइए कि 17 लाख आपके बिजनेस में कितने महीने यूज हुआ, कितने महीने? तो सर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, तो 3 महीने का आप इंटरेस्ट निकाल लो जी। यहाँ पे ये काम हो गया आपका। यहाँ देखिए आप 22 लाख पे, आप मुझे बताओ 22 लाख पर भी रेट कितना चल रहा है? सर 10%, ये लिया 10%। कितने महीने का? तो जरा काउंट करो, अप्रैल से और 1 अक्टूबर, यानी कि अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नहीं क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद चेंज हो गया बच्चे, 6 महीने निकल के आ रहे हैं, यानी कि 6 महीने जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 22 लाख में मिलेगा। कोई बड़ी बात तो नहीं सिखा रहा ना? नहीं सर, ये तो छोटी छोटी बात है। ठीक है, जरा बताओ फिर 20 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप बताइए बिजनेस में 20 लाख आपका कब तक रहा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने। तो 3 महीने का आपको क्या करना है? यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना। समझ में आ रही मेरी बात है? सर हाँ सर, ये कौन सी बड़ी बात है, आप क्यों इतना जोर दे रहे हो, फटाफट कराओ ना, ये तो छोटी छोटी बात है, हम जानते हैं। तो ठीक है, लो फिर 17 लाख रुपीज का अमाउंट है, रेट कहता है कि 10% आपका, और 3 महीने का इंटरेस्ट आपका ये हो गया आपका 42,500, ये इंटरेस्ट बन गया आपका। प्लस अब देखो ये इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ जी, 22 लाख रुपए पे आपने 10% इंटरेस्ट निकाला और कहता है कि 6 महीने का इंटरेस्ट आपका, ये बन गया 1,10,000 रुपये का अमाउंट आपका। प्लस यहाँ देखिए आप 20 लाख रुपये का अमाउंट है और कहता है कि आपका 10% रेट है और कहता है कि 3 महीने का 3/12 आपका ये अमाउंट हो गया 50,000 का अमाउंट आपका, 50,000 रुपये का अमाउंट आपका। तो चला बताओ ना ये तीनों मिलकर अमाउंट कितना बन गया, तो 50,000 प्लस 1,10,000 प्लस आपका 42,500, ये टोटल हो गया बच्चे 2,02,500 रुपये। बात समझ में आ रही है? सर हाँ जी सर, समझ में आ रही है। यानी कि जितना पैसा जितने समय आपने यूज किया, उतना पैसे पे उतने समय का आप हमसे इंटरेस्ट ले लो जी, काम खत्म हो गया। सर पिछली क्लास में भी ऐसा आपने ऐसे तो नहीं किया था आपने? पिछली क्लास में तो आपने कहा वही चीज था बच्चे, वहां पे आप जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो सीधे आप ओपनिंग कैपिटल निकालो और ओपनिंग कैपिटल पे अलग से इंटरेस्ट निकाल दिया, एडिशनल पे अलग से निकाल दिया। यहां पे हमने क्या करना, इस तरीके से निकाल लेना। यहां पे हम तरीका अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये अच्छा लगता है, फटाफट काम करेंगे। 2-3 तो नाम है, एक परमानेंट ड्रॉइंग्स और एक आपका एडिशनल कैपिटल, वो काम कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना? अच्छा अच्छा ठीक है सर, कॉपी करो इसको, आप कॉपी करो बच्चे, आप कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा और आपको हाई लेकर चलूंगा। इतना टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता, हमने देखा हुआ है। आपके जब फिक्स कैपिटल होता था बहुत छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन अच्छा पढ़ लो ना यार, कहा जाता है अच्छा पढ़ूंगा तो और मजा आएगा, हम बड़े लेवल की तैयारी अभी कर लेंगे। सपना बढ़ाओ, जब सपना हमारा बड़ा होगा तो छोटे काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। अगर सपना ही छोटा होगा तो फिर बड़ा काम कैसे करेंगे, जरा बताओ मुझे आप। लो मैं इसको मिटाता हूँ, हमने एग्जाम्पल नंबर 2 खत्म किया, मैं अब आपके पास आता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 करने के लिए आपका। देखता हूँ कि थर्ड जो हमारा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हम कितने अच्छी तरीके से काम करते हैं। ये लो मैंने इसको मिटा दिया, मैंने इसको मिटा दिया, एक बार और थोड़ा सा और मैं एडवांस लेके चलता हूँ। मुझे विश्वास है कि अगला जो एग्जाम्पल पुट करने वाला हूँ ना, वो तो आप पता नहीं आपको क्या क्या हो जाएगा, आप में से कितने सारे बच्चे मतलब समझो कि उनकी हालत खराब हो जाएगी, कमजोर दिल वाले गिर जाएंगे। आप बिलीव करो, अगर आप नहीं गिरे इसका मतलब कि कमजोर दिल नहीं है आपका। मैं बहुत गंदा क्वेश्चन फेंकने वाला हूँ आपके ऊपर में, ये लो देखता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे आप करते हैं। ये क्वेश्चन वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा, वही समझ पाएगा जो मेरी स्टार्टिंग से अभी तक की सारी क्लासेज को बहुत ध्यान से सुना होगा, अदरवाइज नहीं आपका। आइए मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें रिकॉल भी करूंगा। कहता है कि कैलकुलेट, ये कहते हैं कि कैलकुलेट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताओ रेट कितना लिख दूं? सर रेट आप लिखो ना, जो भी आप फिर से बेवकूफ बनाओगे हमें ना बचे ना, लिखता हूं इस बार, लो 5% पर एनम आपका। कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो 5% एंड कहता है कि आप निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कहता है आपको निकालने के लिए, और वो कहता है कि एट द रेट ऑफ मान लो 10% आपका पर एनम आपका कहता है 10% आपका, है ना? ये क्वेश्चन आपको मैंने बनाया, देखो जरा कितना मजा आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ बच्चे। ये लो मैंने क्वेश्चन को एक डायग्राम पे पुट किया, डायग्राम पे ये रहा आपका 1 जनवरी 2000 यहाँ पे 16 और ये रहा आपका 31 दिसंबर 2016, ये काम रहा। अब कहता है कि यहाँ आपका कैपिटल कितना था मैं नहीं पता,
ये चलो ना कैपिटल बता देता हूँ, इंटरेस्ट तो निकालना, ओपनिंग कैपिटल निकालने आ गया आपको ना। ठीक है सर, ठीक है, चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा मैं लिख दूँ यहाँ पे, हम लोग कह रहे हैं जी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है अंडर अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आइए जरा यहाँ पे देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। कहता है कि इस दिन पे आपका जो कैपिटल है यानी कि जो ओपनिंग कैपिटल है वो कहता है रुपीज आपका 10 लाख। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ जाओगे, आप अच्छे बच्चे हैं। ये लो मैंने कहा कि यहाँ यानी कि आपका 1 अप्रैल 2016 को आपने बिजनेस में डाला है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल आपने बिजनेस में डाला है जी, और वो कैपिटल कहता है आपका यहाँ पे 4 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपका है, 4 लाख रुपये का अमाउंट। फिर कहता है आपका यहाँ यानी कि 1 जुलाई 2016 को आपने क्या किया, यहाँ पे एक रेगुलर ड्रॉइंग्स किया। ध्यान से रेगुलर ड्रॉइंग्स किया बच्चे, हमने रेगुलर ड्रॉइंग्स किया और कहता है कि मान लो वो अमाउंट आपका यहाँ पे 1 लाख का अमाउंट आपका, 1 लाख रुपये का अमाउंट, 1 लाख का अमाउंट आपका। बोलता जरा बताओ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, यही क्वेश्चन है ना सर। हाँ जी, तो कैपिटल हमने ओपनिंग बता दिया 10 लाख रुपये का अमाउंट आपका, एडिशनल कैपिटल कह दिया कि 4 लाख का अमाउंट है, रेगुलर ड्रॉइंग्स कहता कि 1 लाख का अमाउंट है। बोलता बताओ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आपका। मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर भी मैं कराता हूँ, आइए मेरे साथ ही करना, आगे पीछे नहीं। ये रहा सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे, पहले मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले मैं आपको निकालूंगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकल के आपका आएगा। लो ये डायग्राम बना आपका यहाँ पे, डायग्राम जरा बताओ क्वेश्चन के अंदर में 1 जनवरी 2016 को आपका कैपिटल कितना है सर, 10 लाख रुपये। तो देखो ये 10 लाख, अच्छा कैपिटल में पहला चेंज कब हुआ, 1 अप्रैल को। तो आपने क्या किया, यहाँ बोला कि 1 अप्रैल 2016 को आपने क्या किया, यहाँ पे कैपिटल में ऐड कर दिया बच्चे 4 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपका, 4 लाख का अमाउंट। यानी कि पहले से कैपिटल कितना था जी, 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपका, 10 लाख रुपये का अमाउंट, फिर 4 लाख रुपये कैपिटल ऐड कर दिया, तो इसके बाद कैपिटल कितना हो गया सर, 14 लाख रुपये आपका। 10 पहले से था, 4 आपने ऐड और कर दिया, तो कैपिटल कितना हो गया, 14 लाख का अमाउंट आपका। अब मुझे आप जवाब दो ना, ये रहा आपका 31 दिसंबर 2016 साल का एंड, मुझे आप जवाब दो। पता नहीं क्यों लगता है कि आप ज़्यादा जवाब दे पाएंगे मेरे से। आप मुझे बताइए कि जो रेगुलर ड्रॉइंग्स होता है, जो रेगुलर ड्रॉइंग्स होता है, क्या फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर में आप कैपिटल अकाउंट में प्लस माइनस करते हो, आप बताओ, आप मुझे बताओ कि जब फिक्स कैपिटल मेथड को हम फॉलो करते हैं तो क्या फिक्स कैपिटल मेथड में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उस कैपिटल अकाउंट में हम रेगुलर ड्रॉइंग्स को दिखाते हैं या फिर परमानेंट ड्रॉइंग्स को दिखाते हैं। अभी अभी दिखाया था मैंने अकाउंट बना के बच्चे, अभी अभी दिखाया था सर, वहां तो परमानेंट ड्रॉइंग्स था, परमानेंट ड्रॉइंग्स, रेगुलर ड्रॉइंग्स तो करंट अकाउंट में जाता बच्चे, और हम बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट का, हम कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं यहां पे। तो आप जरा सोचो, 10 लाख रुपए पहले से था, 4 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल दिया, कैपिटल हो गया 14 लाख रुपए। जो रेगुलर ड्रॉइंग्स आपने किया है वो रेगुलर ड्रॉइंग्स तो आपने कैपिटल से माइनस किया ही नहीं है, वो तो करंट अकाउंट में दिखा दिया। तो जो कैपिटल अकाउंट में प्लस माइनस नहीं किया उसका कुछ भी नहीं करेंगे फिर तो आपका। फिर तो ऐसा रहा कि 10 लाख पहले से था, 4 लाख रुपए और ऐड किया, 14 लाख रुपए हो गया, और वही 14 लाख रुपए एंड तक रहा जी, यही रहा होगा ना बच्चे। सर ठीक से समझाओगे क्यों ना, ये देखो आप, आपने ये लिखना नहीं, ये समझा रहा हूँ बच्चे, लिखना नहीं आपको। अगर हमने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा तो कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल आपने कितना लिखा होगा सर, 10 लाख रुपये। ठीक बोला आपने, आपने 4 लाख रुपये, फिर क्या हुआ जी, आपने एडिशनल कैपिटल दिया तो आपने कैश डाल के कैपिटल को 4 लाख से और बढ़ा दिया, 14 लाख रुपये हो गया। आप बताओ ये जो रेगुलर ड्रॉइंग्स आपका है, क्या रेगुलर ड्रॉइंग्स आपने कैपिटल अकाउंट में दिखाया होगा कि करंट अकाउंट में दिखाया होगा। सर ये तो हमने करंट अकाउंट में दिखाया होगा, यहाँ पे जी रेगुलर ड्रॉइंग्स आप यहाँ लिखते हैं, 2 ड्रॉइंग्स है, 2 कैश आपका कितना जी, 1 लाख अमाउंट। तो मैं कह रहा हूँ कि ये रेगुलर ड्रॉइंग्स तो कैपिटल में दिखाया ही नहीं है। जब रेगुलर ड्रॉइंग्स के कैपिटल पे कोई प्लस माइनस का इंपैक्ट पड़ेगा नहीं तो फिर यहाँ पे हम क्यों दिखाएंगे उसको, क्यों दिखाएंगे जरा बताओ। अच्छा अच्छा ठीक है सर, समझा मैं बात, मैं समझ गया बात।
आप जो बोलो ठीक बोल रहे हो कि यार 10 लाख रुपए स्टार्टिंग से था, 1 अप्रैल को कैपिटल में 4 लाख रुपए ऐड किया, फिर 14 लाख रुपए हो गया और कैपिटल अकाउंट में यही पैसा एंड तक गया है, रेगुलर ड्रॉइंग्स यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ आपका। ठीक है, जब समझ गए तो काम पूरा करो ना। 10 लाख रुपीज पे चला, बताओ रेट कितना चल रहा है? सर 5%। मुझे बताओ कितने समय का? तो सर 1 जनवरी से 1 अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तो होते हैं, यानी कि 3/12 निकल के आया आपका, 3/12 आपका। अच्छा अच्छा ठीक है, अब चला बताओ 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, ये 14 लाख रुपये पर भी हम इंटरेस्ट कितना निकालेंगे जी? 5% आपका, 5%। जरा बताओ कितने महीने का? तो अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने का आपने, 9 मंथ्स का अपने इंटरेस्ट निकाला। तो चलो बताओ 10 लाख रुपए पे 5% और 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है? तो सर 10 लाख पे आपका ये 12,500 होना चाहिए। देखता हूँ तुक्का मारा ऐसे, इंटू 5% आपका, और फिर आपने क्या किया, 4, हाँ 12,500 ही आ गया, ये ठीक है आपका। और फिर आपने क्या किया जी, 14 लाख रुपए पे 5% और 9 महीने का इंटरेस्ट, 9/12 आपका, ये हो गया 52,500 रुपीज़ का अमाउंट आपका। जरा बताओ दोनों मिला के कितना हो गया? सर 65,000 का अमाउंट, खत्म होगी बात, निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी निकालना होगा, जितना पैसा जितने समय यूज हुआ उस समय का आप निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी सर, बात समझ में आ रही है, आप ठीक बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं आप। चलो लिख लो पहले यहाँ पे, कॉपी करो, फिर मैं एक चीज और समझाता हूँ, लिख लो। अगर आपको पिछली क्लास में और आज की क्लास में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो लो मैं वो कन्फ्यूजन खत्म कर देता हूँ आज के लिए, हमेशा के लिए, आज से हमेशा के लिए। ये लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का ये मान लो हमारा मेथड नंबर 1 था, ये पहला तरीका है। मैं एक और तरीका दे देता हूँ जी, पिछली क्लास वाला, जो अच्छा लगे वो काम कर लो। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा, पहले मैं इसको मिटाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 62,500, ये हो गया आपका पहला तरीका। यही काम करने का दूसरा तरीका है, ये लो मैं लिख रहा हूँ मेथड 2। सर एग्जाम में दोनों तरीके से करेंगे ना बच्चे, ना आपको जो अच्छा लगे उसमें कर लो यार, दोनों से क्यों करोगे आप, जो अच्छा लगे। ये लो मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ, आपने पिछली क्लास में क्या किया था, 1 जनवरी 2016 को बिजनेस में आपने 10 लाख रुपये रखे थे, 10 लाख आपका। फिर आपने क्या किया यहाँ, यानी कि 1 अप्रैल को आपने क्या किया, बिजनेस में आपने 4 लाख रुपये और ऐड कर दिए, 4 लाख रुपये, और ये हो गया आपका साल का एंड, यानी कि 31 दिसंबर 2016 आपका। ये पिछली क्लास में हमने ऐसे किया था आपका। अब जरा मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि ये जो 10 लाख रुपये का अमाउंट है, ये जो 10 लाख रुपये का अमाउंट है, ये 1 तारीख से लेकर जरा बताओ कितने समय तक रहा, कितने मतलब ये 10 लाख कितने समय यूज हुआ? तो सर पूरे साल, हमने पूरे साल यूज किया। तो 10 लाख पे आप क्या करो, 5% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लो। और ये जो 4 लाख रुपए का अमाउंट है, जरा बताओ 5% के हिसाब से आपने इसको कितने समय यूज किया? तो सर अप्रैल से लेकर दिसंबर, 9 महीने। तो आप क्या करो जी, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लो। तो आपका ये 10 लाख का 5% हो गया 50,000, और प्लस आपका 4 लाख का 5% आपका ही हो गया 9 महीने, कितना आपका जी, देखो जरा 12,500 रुपये का अमाउंट आपका, 12,500। तो दोनों मिलके इंटरेस्ट कितना हो गया, 62,500 रुपीज़ का अमाउंट, वही अमाउंट निकल के आया, वही बना ना आपका, यहाँ भी वही अमाउंट निकल के आ रहा, यहाँ भी वही अमाउंट निकल के आ रहा। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कितना पैसा कितने समय रहा उस समय का इंटरेस्ट निकाला, फिर चेंज हो गया तो चेंज को कंसिडर किया, आगे का इंटरेस्ट निकाला। यहाँ पे क्या किया जी, 10 लाख पूरे साल रहा तो हमने पूरे साल का इंटरेस्ट निकाला, 4 लाख पैसा 9 महीने यूज किया तो 9 महीने का अलग से इंटरेस्ट निकाल दिया। अभी भी तो वही मतलब निकल के आएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं सिखा रहा बच्चे, नहीं सिखा रहा बड़ी बात। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, सर बताओ ना अच्छा कौन सा है, अच्छा दोनों है। तो फिर सर क्या दोनों करेंगे? ना 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 ना, एक ही करना है आपको, जो अच्छा लगे, ये ठीक लगे तो ये भी कर लो, ये ठीक लगे तो ये लगो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों चीज जानता हूँ, दोनों काम कर सकता हूँ। सर मार्क्स किसमें ज्यादा मिलेगा? दोनों में सेम मिलेगा यार, एक ही काम करने के तरीके है, आपकी मर्जी। अच्छा सर ठीक है, गुस्सा ना करो, ठीक है, कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ मैं, तो आपके अंदर जोश भर रहा हूँ, हमारा जोश जो है वो कभी ठंडा ना होना चाहिए एग्जाम तक आपका, बस हम आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। सर ठीक है, फिर हम सर रेडी हैं, आगे बोलो। तो हो तो गया मेरा इंटरेस्ट निकालना, अब कहाँ से निकालूँ? सर एक क्वेश्चन में पार्ट था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आपको निकालना 10% के हिसाब से, वो भी निकाल लेता हूँ जी। आप कहो तो पहले मैं इसको मिटा दूँ, ये हो गया बच्चे,
सर हाँ हो गया तो ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ या फिर मैं यही निकाल देता हूँ जी, क्या दिक्कत है इसमें? लो जरा मैं निकाल रहा हूँ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। याद करो, याद करो, अगर आपको पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास आपको याद है तो हमने उसमें कहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमेशा निकाला जाता है रेगुलर ड्रॉइंग्स के ऊपर में, रेगुलर ड्रॉइंग्स आपका। तो बताओ कितने के ड्रॉइंग्स हुई है? सर 1,00,000 रुपये के, ये लिया हमने 1,00,000 रुपये का अमाउंट आपका, यहाँ पर 1,00,000 का अमाउंट। आप बताओ रेट कितना चल रहा है? सर 10%, तो ये लिया हमने यहाँ पे 10% का अमाउंट आपका, 10% का। मुझे बताओ पैसा कितने महीने यूज किया, क्योंकि रेट पर है ना मैं बच्चे, तो जितने समय ड्रॉइंग्स आपके पास रहा उतने समय का ही तो होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का। तो आप 6 महीने का क्या करो, यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल दो, 1,00,000 का 10%, 10,000 रुपये, और 6 महीने कितना हो गया आपका, 5,000 रुपये का अमाउंट आपका, खत्म होगी बात। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे चार्ज किया जाएगा आपका 5,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट हमेशा अप्लाई किया जाएगा रेगुलर ड्रॉइंग्स के ऊपर में, रेगुलर ड्रॉइंग्स बचे आपका। और जो आपका परमानेंट ड्रॉइंग्स होता है वो यूज किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपका। आइए मैं आपको थोड़ा और समझाऊं, इस पर और एडवांस क्वेश्चन बनाता हूं, इस पर सारी बातें मैं आपके साथ ऐड कर लूंगा, आप इसको कॉपी कर लो, मैं इसको मिटाना चाहता हूं। आज तो बस हम रहेंगे और बस हम, और दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ हमें ही रहना है बस। लो मैं इसको मिटाता हूं, लो मैं इसको मिटाता हूं, ये काम खत्म हुआ आपका। मैं यहां पे एक और क्वेश्चन बनाऊंगा, एग्जांपल नंबर 3 था बच्चे, मैं 4th पे आता हूं। मैं इस बार जितने सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं आज की क्लास में, उन सबको मैं इकट्ठा करता हूं और देखता हूं कि वो क्वेश्चन हम लोग कैसे आपका इंटरप्रेट कर पाते हैं। लीजिए एग्जाम्पल नंबर 4 था आपका, 4th। अब इस पर कहता है कि कैलकुलेट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखिए मेरे साथ, आपको साथ साथ लिखना है, आगे पीछे नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ आपका 10% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, चलो इस बार मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ आपका 8% पर एनम आपसे, पर एनम बच्चे। बहुत मन करता है मुझे आपसे बात करने का, बट किससे बात करूँ, कोई नहीं यहाँ पे, सारी उदासी छाई हुई है, अकेला खड़ा हूँ, एक कैमरा सामने में, मैंने बताया था इसी में आपको देख रहा हूँ बच्चे और आपसे बातें कर रहा हूँ, बट चलो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, उदास नहीं होते, आप कर लो सर, कर लो, कभी हम मिलेंगे आपसे और हम खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लिखो पहले यहाँ पे, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आपका, ये रहा 1 जनवरी 2016, कहता कि आज जो आपका बिजनेस में कैपिटल था वो कैपिटल था मान लो यहाँ पे 10 लाख रुपीज का अमाउंट। बहुत ध्यान से इस पर हमें सावधानी बरतनी पड़ेंगी। फिर कहता है यहाँ पे 1 अप्रैल 2016, कहता है कि आज आपने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल डाला, आपने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल डाला, और वो कैपिटल कहता है कि आपने डाला है मान लो यहाँ पे 2 लाख रुपीज का अमाउंट आपका, 2,00,000 रुपये का अमाउंट, ठीक है सर। आगे बताओ, कहते हैं कि आपने क्या किया, 1 जुलाई 2016 को आपने एक परमानेंट ड्रॉइंग्स किया, परमानेंट ड्रॉइंग्स, आपको याद है ना कि परमानेंट ड्रॉइंग्स को एक और भी हम नाम से जानते हैं सर, हाँ इसको हम ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, ड्रॉइंग लिख दूं मैं यहाँ पे, इनको कहते हैं ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, लिख लो आप, रिविजन में आपको हेल्प करेगा, ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। तो ड्रॉइंग्स जो आपका हुआ ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, ये कहता है मान लो आपका यहाँ पे जी रुपीज 1,00,000 का अमाउंट हुआ बच्चे आपका, 1,00,000 रुपये का अमाउंट। फिर कहता है कि 1 अक्टूबर 2016 को यहाँ कहता है जी कि आपने एक रेगुलर ड्रॉइंग्स भी किया है, एक रेगुलर ड्रॉइंग्स भी आपने किया है, और वो जो रेगुलर ड्रॉइंग्स आपका है इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चे, इसका दूसरा नाम क्या होता है जी सर, इसको कहते हैं ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, इसी पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होता है बच्चे। ये कहता है कि मान लो आपका 5,00,000 रुपये का अमाउंट है, 5,00,000 रुपीज का अमाउंट, और ये हो गया आपका साल का एंड, यानी कि 31 दिसंबर 2016। क्वेश्चन कंप्लीट, आप करोगे कि मैं करूं? सर हम करेंगे, नहीं बच्चे ये क्वेश्चन तो मैं ही कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप चाहे बुरा ही क्यों ना मान जाओ,
इसके बाद अगला क्वेश्चन आप कर लेना जी, कौन सी बड़ी बात है। ये लो मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे। पहले तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, जरा देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखना मुझे 10% के हिसाब से। मैं काम करता हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, निकालना यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ जी, निकालना यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को भी मैं दोनों तरीके से आपको दिखा दूंगा, दोनों तरीके से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे, मेथड वन मेथड टू, आपको जो अच्छा लगे वो काम कर लेना, झगड़ा थोड़े करना हम आपके साथ, मैं दोनों तरीका बता दूंगा। ये लो आपको बताया मैंने मेथड वन, एग्जाम में आपकी मर्जी जो अच्छा लगे वो कर लेना, कोई रोकने वाला नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं कि आपके एक नंबर भी काट ले यहाँ पे। ये लो हमने लिखा, आप जरा चेक करो कि कैपिटल में चेंज कब कब आया। पहले तो 1 जनवरी 2016 कैपिटल आपका 10 लाख था, है ना बच्चे? सर हाँ जी, 10 लाख था। मुझे बताओ कैपिटल में, यानी कि कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट में चेंज कहाँ कहाँ आया? ये आया चेंज और ये आया चेंज। ये चेंज कैपिटल अकाउंट में नहीं है बच्चे, वो करंट अकाउंट में जाता है, करंट अकाउंट में। हम बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट का। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय रेगुलर ड्रॉइंग्स को आप कंसिडर नहीं करना, हमें परमानेंट ड्रॉइंग्स को सिर्फ लेना होता है, फिर हम काम करते हैं। ये लीजिए 1 जनवरी कैपिटल था, पहला चेंज आ गया 1 अप्रैल को। आप मुझे बताओ 1 अप्रैल को आपने क्या किया? तो बिजनेस में आपने 2 लाख रुपीज और ऐड कर दिया, आपने 2 लाख बिजनेस में और डाल दिया, 2 लाख। तो चलो बताओ 10 लाख पहले से था, 2 लाख बिजनेस में और ऐड किया, अब आपका कैपिटल कितना हो गया? तो सर 10 में 2 ऐड करने के बाद बिजनेस में कैपिटल हमारा 12 लाख रुपए का हो गया, यही हुआ ना? सर हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ कैपिटल में अगला चेंज कब आया? 1 जुलाई को। ये लो लिखा मैंने आपके लिए 1 जुलाई 2016 आपका, 1 जुलाई 2016। मुझे बताओ आज आपके कैपिटल में क्या हुआ? सर एक परमानेंट ड्रॉइंग्स हो गया, परमानेंट ड्रॉइंग्स आपका, यानी कि कैपिटल से हमने निकाल लिया 1 लाख रुपए, यहाँ पे आप 1 लाख रुपीज कैपिटल से क्या कर रहे हैं जी? माइनस कर रहे हैं आप, माइनस कर रहे हैं। मुझे बताइए 12 लाख रुपए था जी, 1 लाख माइनस हो गया, तो इसके बाद आपका बिजनेस में कैपिटल कितना रहा? सर 11 लाख रुपए का, ठीक है। और फिर आपका आ गया साल का एंड, यानी कि 31 दिसंबर। याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय वी नेवर कंसिडर रेगुलर ड्रॉइंग्स आपका, इट ऑलवेज कम्स टू करंट अकाउंट, इट नेवर अफेक्ट्स आवर कैपिटल अकाउंट बच्चे। इसलिए कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करना, सिर्फ करंट अकाउंट में उसका इंपैक्ट जाएगा, हम कैपिटल में इंटरेस्ट निकालने की बात कर रहे हैं। शुरू करो आप यहाँ पे। ये लो 10 लाख का अमाउंट, आप बताओ रेट कितना बता रहा है? सर 10%। आप मुझे बताइए ये 10 लाख बिजनेस में कितने समय रहा, मतलब जब चेंज हो गया उसके पहले कितना समय रहा आपका? ये देखा, ये आपका रहा जी पैसा इतने समय आपका। तो 10 लाख रुपए पे जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, आप 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो। इसके बाद 12 लाख रुपए पे फिर से आपका 10%, और कितने महीने का? तो सर अप्रैल से जुलाई, अप्रैल में जून, जुलाई नहीं, 1 जुलाई की बात कर रहा, चेंज हो गया बच्चे जुलाई में, अप्रैल में जून 3 महीना, तो 3/12 यहाँ रहा। और जरा देखो ना 11 लाख रुपए पे आपका 10%, जरा बताओ कितने समय का? तो सर 11 लाख पे 10% आपका जुलाई से दिसंबर आपका 6 महीना होता है, तो यहाँ पे 6/12 की बात कर रहा हूँ, 6/12 आपका। अब मुझे बताइए, मुझे बताइए कि 10 लाख पे 10% 3 मंथ का कितना हो जाएगा? सर ये अमाउंट बन गया आपका कितना जी, एक बार देख लूँ मैं यहाँ पे, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है बच्चे, बहुत डर लगता था बचपन में मैथ से मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे अकाउंट से प्यार करना शुरू कर दिया, अब अकाउंट से डर नहीं लगता। मैंने देखा जिससे हम डरते हैं वो हमारे लिए दुश्मन बन जाता है, जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा बन जाता है। मुझे इससे प्यार हो गया है, मुझे कोई टेंशन नहीं होता अकाउंट्स में आपका। 25,000 रुपये का अमाउंट, 12 लाख रुपये का कितना हो जाएगा जी यहाँ पे आपका? तो सर ये तो 30,000 रुपये का अमाउंट हो जाएगा। सर ये आपने फास्ट कैसे कर लिया? मुझे मैथ्स से भी प्यार है, मुझे मैथ्स भी ख़राब नहीं लगता। अब मैं तो मजाक ही कर रहा था आपसे कि यार मैथ्स मुझे बुरा लगता, मज़ा आता तभी तो अकाउंट्स मज़ा आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर, इसका मतलब क्या, अगर मैथ्स हमें नहीं आता तो हम अकाउंट्स नहीं सीख पाएंगे? ऐसा थोड़े ही है, मैथ्स अलग है, उससे पता नहीं क्या क्या वो बोलता था जी, उल्टी सीधी बात है, अकाउंट्स कितना मज़ा आता है, कुछ भी यहाँ पे नहीं, इसकी मैथड प्लस माइनस तो है। अच्छा अच्छा जरा बताओ 11 लाख रुपये पे 10% और 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा आपका 55,000 का अमाउंट, आपका 55,000 रुपये का अमाउंट। तो मुझे बताइए टोटल अमाउंट कितना हो गया? तो आपका 25,000 प्लस आपका 30,000 प्लस आपका 55,000, ये अमाउंट हो गया 1,10,000 का, 1,10,000 रुपये निकल गया इंटरेस्ट आपका, निकल गया इंटरेस्ट। कॉपी करो इसको, फिर मैं दूसरे मेथड से भी दिखा दूँ,
आपको जो अच्छा लगे वो काम कर लेना, यहाँ पे कौन सी बड़ी बात है, कोई भी कर लीजिए आप इसको। ठीक है सर, ठीक है सर, कर लिया, आगे चलो, आगे बढ़ो सर। मुझे तो आज बड़ा मज़ा आ रहा है, इसमें कुछ है नहीं समझने वाला। अब काम का हमें डरा दिए कि बड़ा टफ काम कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है बच्चे, आप समझ रहे हैं इसका मतलब कि ठीक है आपके लिए। कोई चीज़ तभी हमारे लिए टफ होती है जब हम नहीं समझते हैं, जब रटते हैं आपका। ये लो मेथड टू आपका। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से मैं आपको दिखा दूँ और मज़ा आ जाएगा आपको। ये रहा मेथड टू, और मेथड टू में ये रहा आपका 1 जनवरी, फिर आपके जरा चेक करो चेंज कैपिटल में कब आया आपका, 1 अप्रैल को, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 1 जुलाई को आपने चेंज किया है, याद रखना यहाँ कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ आपका। और साल का एंड हो गया जी 31 दिसंबर आपका। मुझे बताइए ओपनिंग कैपिटल कितना था, 10 लाख रुपए, लिख दो यहाँ पे 10 लाख रुपए, ये आपका कैपिटल स्टार्टिंग में 10 लाख था। 1 अप्रैल को 2 लाख, यानी कि 2 लाख रुपए आपने कैपिटल में प्लस किए हैं, तो लिखो यहाँ पे प्लस आपका 2 लाख रुपए। फिर आपने 1 जुलाई को 1 लाख कैपिटल से माइनस किया, बच्चे माइनस किया, तो ये लिख दो आप 1 लाख रुपए यहाँ पे माइनस में, जो कैपिटल को बढ़ाया प्लस कैपिटल, जो माइनस किया उसको माइनस कैपिटल आपका। अब इंटरेस्ट निकाल लो, जरा बताओ 1 जनवरी से यहाँ पे रेट चल रहा आपका 10%, बताओ ये पैसा कब तक रहा। तो आप चेंज मत देखो, जो चेंज होगा हम उस पर अलग से इंटरेस्ट निकालेंगे। इस पर अगर 1 तारीख तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा, पूरे साल का। ये हो गया आपका जी, कितना अमाउंट निकल गया बच्चे, 1 लाख रुपए का अमाउंट, ठीक है ना सर। हाँ जी, अच्छा जरा बताओ 2 लाख रुपए पे आपका 10% कितने समय का, यानी कि ये 2 लाख बिजनेस में कब तक रहा। तो ये पैसा तो स्टार्टिंग से एंड तक रहा, ये पैसा 1 अप्रैल से 31 दिसंबर रहा, यानी कि 9 महीने। तो आप इस पे 9 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, 9 महीने का इंटरेस्ट। फिर जो पैसा आपने 1 जुलाई को 1 लाख रुपए निकाल लिया, इस 1 लाख पे 10% जो आपका इंटरेस्ट बनेगा कितने समय का, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर। अगर 1 जुलाई को पैसा निकल गया तो उतने पैसे पे हम इंटरेस्ट आपको नहीं देंगे। तो 1 लाख का 10% और वो कितना महीना जी, 6 महीने का, 6/12 आपका। देखो क्या निकल गया था, 1 लाख ये हो गया, जरा बताओ ये कितना आ गया जी, 2 लाख का ये हो गया सर 15,000 रुपये का अमाउंट आपका। तो ठीक है 1 लाख प्लस 15,000 और माइनस हो गया, ये कितना आ गया आपका जी सर, ये हो गया 5,000 रुपये का अमाउंट आपका, ये हो गया 5,000 रुपये का अमाउंट। तो मुझे बताइए 1 लाख प्लस 15,000 माइनस 5,000 रुपये का अमाउंट कितना बन जाएगा सर, ये अमाउंट हो जाएगा 1,10,000 रुपये का अमाउंट आपका, 1,10,000। खत्म हो गई बात, वही अमाउंट निकल गया जी। ऐसे निकालो तो भी ठीक है, ऐसे निकालो तो भी ठीक है, कौन रोकने वाला है, दोनों ठीक है, आपकी मर्जी। पूरे मार्क्स मिलेंगे दोनों के अंदर में आपका, आप प्लीज इसकी कॉपी कर ले आप। मेथड 1 मेथड 2 दोनों ठीक है, आपकी मर्जी जैसे निकालना कर ले, कोई दिक्कत नहीं, पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर में। हो गया बच्चों, हो गई कॉपी जी सर? हाँ जी सर, कॉपी हो गई। तो मैं अब इसको मिटाऊंगा, मुझे क्योंकि अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी निकालना है, तो मैं इसको मिटाऊंगा, अब मैं हटाने वाला हूँ, आप लिख लो या उधर कहीं करूँ, जगह है ही नहीं मेरे पास, मैं यहीं पर मिटाऊंगा। लो मैं मिटाता हूँ, ये हमने क्या किया, हटा दिया। मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको निकाल के समझाना है, और कुछ तो है नहीं। ये लीजिए मैं आपको यहाँ पे देता हूँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना। तो आप लिखेंगे अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कोई मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब, कौन सी ड्रॉइंग्स की बात कर रहा हूँ सर? बात कर रहे हो आप रेगुलर ड्रॉइंग्स का, रेगुलर ड्रॉइंग्स जो होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर आप समझ ही गए हो, तो 5 लाख का रेगुलर ड्रॉइंग्स आपका है। इस 5 लाख रुपए पे जरा बताओ रेट कितना चल रहा है सर, 8%, विल टेक 8% आपका। और बताओ कितने महीने पैसा रखा जी बिजनेस का आपने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने, तो विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स आपका। कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 10,000 का अमाउंट आपका, 10,000 रुपये का अमाउंट आपका, यही निकल के आया ना। आओ एक बार चेक कर लेते हैं, ये 5 लाख का अमाउंट है, रेट कहता है कि 8% आपका, और 3 महीने का, यानी कि अमाउंट हो गया 10,000। खत्म हो गई बात आपका। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, समझ में आया। अब तो यहाँ कोई बड़ी बात है नहीं, आपने सारी अच्छी बातें सीखी।